में शायद मैंने बताया हो आपको कि कितने न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो लगभग लगभग यहाँ पे 100 बिलियन न्यूरॉन्स जो हैं वो इसको बनाते हैं या इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे इस ब्रेन के अंदर, राइट? एंड इसमें हमारे ब्रेन में जो लेयर है प्रोटेक्शन के लिए, बेसिकली इस ब्रेन को एक टफ टिश्यू की जो लेयर है जिसे मेनेंजेस के नाम से जानते हैं, 3 लेयर्स हैं हमारी, जो आउटर मोस्ट है ड्यूरामेटर, देन मिडिल वन इज अरेकेनॉइड, एंड द इनर वन व्हिच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द यू नो टिश्यूज व्हिच इज कॉल्ड द पायामेटा। एंड यस अरेकेनॉइड जो नेम है वो एक स्पाइडर वेब की तरह इंटरनली जो कवरिंग देखने को मिलते हैं, अरेकेनॉइड जो लिया गया है वर्ड वो यस बिल्कुल वैसे ही है जो आपने पढ़ा था स्पाइडर से रिलेटेड, और वहीं से नाम लिया गया क्योंकि वो कवरिंग जो होती है उस टिश्यूज की अपेरेंस जो होती है वैसी होती है कुछ वो, राइट? और बताया था मैंने शायद आपको कि ड्यूरामेटर जो है वो एक आउटर लेयर होती है, डबल लेयर होती है, शायद हम लोगों ने ये पॉइंट डिस्कस किया था, डबल लेयर होती है ये, और ये जो डबल लेयर है थिक टिश्यूज की डबल लेयर होती है, फाइब्रस टिश्यूज जो है। पायामेटर हमने बोला था कि बाकी के कंपैरिजन में उतनी ज्यादा टफ या हार्ड नहीं होती, और डायरेक्टली इसका कनेक्शन जो है वो ब्रेन के साथ देखने को मिलता है। एंड उसके आगे जो हमने बात की थी डिवीजन के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ और पॉइंट, यहाँ जो डिवीजन है हमारे ब्रेन का, देयर इज अ डीप क्लेफ्ट व्हिच इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल फिजर व्हिच डिवाइड्स द ब्रेन इनटू टू हाफ्स और द सेरिब्रम इनटू द राइट एंड द लेफ्ट हेमिस्फेयर्स। तो ये एक मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फिजर है जो हमारे ब्रेन को लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड करता है, राइट? या फिर हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हेमिस्फेयर या हमारे हेमिस्फेयर को डिवाइड करता है लेफ्ट और राइट पार्ट के अंदर। तो और इन डिफरेंट पार्ट्स की फिर हम लोग आगे स्टडी करते हैं। उसके अलावा जब आप ब्रेन की बात करते हैं तो 3 पार्ट्स आपके ब्रेन के शायद हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें कि आप फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के बारे में बात करते हैं। फोर ब्रेन व्हाट आई सेड, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन को डिस्कस करते हैं, ठीक है? फोर मिड एंड हाइंड। फोर ब्रेन में आपको इसको हम प्रोजेंसी फिलॉन के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, दैट इज ऑल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ प्रोजेंसी फिलॉन, प्रोजेंसी फिलॉन, राइट? दिस इज ऑल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ द प्रोजेंसी फिलॉन, वेयर एज दिस मिड ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ द मिजेंसी फिलॉन, मिजन सी फैलॉन, सॉरी फैलॉन, ठीक है फैलॉन, इसको ठीक कर लेना, ठीक है फैलॉन। एंड दिस हाइंड ब्रेन इज आल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ द रोम्बेंसी, रोम बेंसी, रोम्बेंसी फैलॉन, ठीक है रोम्बेंसी फैलॉन, एंड दैट इज नॉट अ रोम एक्चुअली बट दैट इज अ रोम, ठीक है रोम्बेंसी फैलॉन। सो उसके बाद जो पार्ट्स हम देखते हैं फोर ब्रेन के, डिफरेंट जो पार्ट्स हो गए इसके अंदर, लाइक यू नो सेरिब्रम एक पार्ट आप पढ़ते हो, उसके बाद लोब्स आप पढ़ते हो इसके अंदर, चाहे वो ऑल्फैक्ट्री लोब हो वो भी इसी का एक पार्ट है फोर ब्रेन का, फिर डायन्सी फेलॉन एक पार्ट पढ़ते हो, डायन्सी फेलॉन में भी अलग अलग पार्ट्स आपके होते हैं, जैसे थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, राइट? डिफरेंट रीजंस जो देखने को मिलते हैं वो फोर ब्रेन के अंदर आते हैं हमारे। तो फोर ब्रेन के या इस प्रेजेंसी फलॉन के भी अगर फर्दर हम पार्ट्स की बात करें तो, या लोब्स की अगर आप बात करें तो यस सबसे पहला जो पार्ट है इसका वो मैं बोलूंगा सेरिब्रम जो इसको रिलेट करता है, उसके अलावा आपके जो लोब्स आप लोगों ने पढ़े थे जिसमें से कि एक होता है आपका ऑल्फैक्ट्री लोब, ठीक है ऑल्फैक्ट्री लोब जो है वो भी इसी का एक पार्ट है, एंड एक और पार्ट जिसे आप डायन्सी फेलॉन के नाम से भी जानते हैं, डायन्सी फेलॉन। अभी देखेंगे हम आगे डायग्रामेटिकली कि कहाँ कहाँ वो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और डायन्सी फेलॉन के फिर फर्दर पार्ट्स बचो, जैसे कि थैलेमस एक पार्ट आ गया, जैसे कि थैलेमस एक पार्ट हो गया, ठीक है जैसे कि यू नो हाइपो थैलेमस उसका एक पार्ट हो गया,
हाइपोथैलेमस एक पार्ट हो गया, राइट। उसके अलावा एपिथैलेमस एक उसका रीजन हो गया, एपिथैलेमस एक रीजन हो गया। तो ये सभी जो है उसको बना, उससे डायन्सीफलॉन जो इन सबसे मिलके बनता है। फिर जैसे हाइंड ब्रेन में आप पढ़ोगे सेरिबेलम के बारे में, हाइंड ब्रेन में आप पढ़ते हो सेरिबेलम जो उसका एक पार्ट है, सेरिबेलम जो उसका एक पार्ट है। और सेरिबेलम के अलावा जैसे आप पढ़ते हो आप पढ़ते हो मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा, ठीक है, मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा, ठीक है, मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा। उसके अलावा पॉन्स है, सेरिबेलम सेरिबेलम हो गया, पॉन्स हो गया, पॉन्स भी उसी का एक पार्ट है, ठीक है, पॉन्स उसका एक पार्ट हो गया। तो डिफरेंट रीजंस हम इनके अंदर देखने को हमें मिलते हैं। बात करेंगे और भी लोब्स के बारे में कि कहाँ कहाँ किस रीजन में हमें देखने को मिलते हैं, कुछ व्यूज के बारे में। ये कुछ आपके लोब्स हो गए और डिफरेंट डिफरेंट लोब्स आप इसके अंदर देख सकते हो। लोब्स हमने पहले भी डिस्कस किए थे, एंड जैसे कि पेरिएटल लोब है, यहाँ पे ऑसिपिटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, और ये सल्की रीजंस आपको देखने को मिल सकते हैं इजिली। तो मुझे बताया कि व्हाट इज द मीन ऑफ सल्सी इन द ब्रेन या सल्की, सल्की जानते हैं, सल्की या सल्सी, SULCI, सल्सी। ये देख रहे हैं आप, ये जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन आपको देखने को मिल रहे हैं, ये देख पा रहे हैं, ये देख रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है सबको? ये देखिए जरा, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं अभी, आई एम ऑडिबल बच्चों? यस सर। यस। ये कौन था भाई, ये आवाज तो पहले सुनी भी लगती है मुझे। ये देखिए, दीज आर द, ऑल राइट प्रतीक, तो देखिए डिफरेंट रीजन दिख रहे हैं आपको बेटा, ये सभी, दीज आर द सल्सी। और जब ये लेटरल साइड में होंगे तो इनको हम सल्कस, ये सल्कस भी या प्लूरल और सिंगुलर वर्ड ऐसे ऐड ऑन हुए हुए हैं यहाँ पे। तो जब हम इसको लेटरल साइड में देखते हैं तो इसको बोलते हैं लेटरल सल्सी। आपने बचपन में ब्रेन के बहुत सा ब्रेन का डायग्राम जब बनाया होगा तो आपने कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाए होंगे ब्रेन में, तो ये सल्की को रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये लेटरल साइड में है तो इसको हम लेटरल सर्किल के नाम से जानते हैं। जब ये बीच में हमें देखने को मिलते हैं तो हम इसको सेंट्रल सर्कस, सल्कस के नाम से जानते हैं। सल्कस और सल्की में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल का फर्क है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आई रिपीट, सल्कस और सल्की में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक सिंगुलर और प्लूरल का, जब जब आप इसमें, ठीक है, तो अलग अलग रीजंस में हमें ऐसे देखने को मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो सल्कस ये एक जो वर्ड है ये, और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये एनाटॉमिकल वर्ड है ये, ठीक है, बाहर से आप नहीं देखेंगे इसको, एनाटॉमिकल वर्ड है ये। तो एनाटॉमी में हम सल्कस वर्ड यूज करते हैं, जब हम प्लूरल बात करते हैं, जब हम प्लूरल वर्ड को यूज करते हैं तब हम सल्की का इस्तेमाल करते हैं। जब हम एक, यहाँ पे जैसे मैंने लेटरल साइड में ये बोला तो इसलिए ये मेरे को साइड से देखने को मिल रहा है, तो इसलिए इसको मैंने क्या बोला, लेटरल सल्कस नाम दिया। जब मैं बीच में इसको देखता हूँ यानी कि इस रीजन में, तो मैं इसको सेंट्रल सल्कस का नाम देता हूँ। ये पॉइंट समझ आ रहा है, ये पॉइंट समझ आ रहा है, सल्की यस सल्कस, सर, यस, ये यस ध्यान सर, रखिए। तो दैट इज कम्प्लीटली द विजन। जब आप देखोगे ब्रेन को तो बाहर, जब उसके एनाटमी यानी कि जब आप लेयर्स हटाते हुए ब्रेन की स्टडी करोगे तो आपको सबसे पहले सल्सी ही देखने को मिलेंगे, राइट। तो अलग जब साइड में देखने को मिल रहे हैं तो लेटरल सल्कस, एक जब आप उसको देख रहे हो डिवीजन को बाहर से, एंड ऊपर से देख रहे हो तो सेंट्रल सर्कस आपको देखने को मिलेगा, और बहुत सारे रीजन में आपको सल्सी, आप उसके साथ वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में जब छोड़ा था तो हमने डॉर्सल व्यू, एंटीरियर व्यू, पोस्टीरियर व्यू, इन सब के बारे में बात की थी, लेकिन शायद वो पूरा नहीं हो पाया था। मैंने आपको बोला था कि हम लेटरल व्यू से, ये जो ब्रेन का हमारा है वहां से हम उसको स्टार्ट करेंगे, राइट। अब एक चीज आप जानते हो कि आपके ब्रेन के अंदर कई मैटर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको आप बोलते हो कि जैसे ग्रे मैटर है और व्हाइट मैटर है, ये पॉइंट भी आप लोगों ने सुना होगा ना। ये ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का किस्सा क्या है? व्हाइट मैटर मीन्स होता है, जब भी आप व्हाइट मैटर पढ़ेंगे तो व्हाइट मैटर का मतलब होता है, एक मिनट, व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर का मतलब होता है जहां पे माइलिनेटेड एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आपने पढ़े थे ना कि माइलिनेटेड शेथ कवरिंग होती है उसके सराउंडिंग में एक्सॉन के से, ऐसा ना, जब न्यूरॉन का डायग्राम पढ़ा सर था, यस। तो व्हाइट मैटर का सिंपली आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जब जब व्हाइट मैटर का मतलब आएगा तो आप ये बोलेंगे कि वहां पे माइलिनेटेड कवरिंग है, वहां पे माइलिनेटेड एक्सॉन प्रेजेंट है, वहां माइलिनेटेड एक्सॉन देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है। या फिर आप इसको दूसरे और क्या बोल सकते हो, या फिर माइलिनेटेड, या आप क्या कह सकते हो, माइलिनेटेड नर्व फाइबर के बारे में बात की जा रही है। नर्व फाइबर ही तो था वो, एक्सॉन क्या है, नर्व फाइबर ही तो है, तो यस, माइलिनेटेड नर्व फाइबर के बारे में यहाँ पे बात हो गई। यस प्रतीक, कोमल, ईशा और कौन कौन बच्चे जुड़े हुए हैं, मदर यस टीम, सर, यस, हाँ यस बोल सर, रहे हैं, यस करेक्ट। और उसके बाद जब आप बात करते हैं ग्रे मैटर के बारे में,
जब आप बात करते हैं ग्रेइश मैटर के बारे में ब्रेन के, तो इसका मतलब है वहां पे अनमाइलिनेटेड एक्सॉन प्रेजेंट है, वहां पे अनमाइलिनेटेड एक्सॉन प्रेजेंट है, ठीक है, अनमाइलिनेटेड एक्सॉन के बारे में बात की जा रही है। या फिर आप क्या बोल सकते हैं कि जो वही नर्व जो है वो कैसा है उसके बारे में, तो अनमाइलिनेटेड एक्सॉन नर्व है, आप इसको ऐसे बोलेंगे। तो ये फर्क होता है किसमें, आपके एक व्हाइट मैटर और ग्रेइश मैटर के अंदर। माइलिनेटेड शीथ का बनना, ये जो माइलिनेटेड शीथ की हम बात करते हैं, दैट इज अ प्रोसेस जिसको हम माइलिनोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। आप बहुत ज्यादा हायर क्लासेस में जब एनाटॉमी वगैरह पढ़ेंगे तो इस माइलिनोजेनेसिस की प्रोसेस को समझेंगे। तो माइलिन शीथ जो फॉर्म्ड होती है वो ध्यान रखिएगा सीएनएस में फॉर्म होती है। माइलिन माइलिन शीथ जो फॉर्म होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर फॉर्म होती है, ठीक है। और यस, इतना आप उसके बारे में ध्यान रखेंगे। और ठीक है, तो व्हाइट मैटर हमें ब्रेन में देखने को मिल रहा है और ग्रेइश मैटर देखने को मिल रहा है। अगर मैं ज्यादा जाऊंगा तो फिर मैं न्यूरॉन वाले पार्ट्स पे आ जाऊंगा जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने डॉर्सल व्यू के बारे में स्टडी की थी, एंड ब्रेन के जो अलग अलग व्यूज बताए थे, 5 से 6 टाइप के व्यूज को शायद हमने डिस्कस किया था सुपरफिशियली, कि एंटीरियर व्यू हम देख सकते हैं ब्रेन का, पोस्टीरियर व्यू देख सकते हैं, लेटरल व्यू है, डॉर्सल व्यू है, इंफीरियर व्यू है, एक्सेट्रा। अब जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लेटरल व्यू के बारे में, तो ये लेटरल व्यू जो है जिसमें आपको ऑसिपिटल लोब भी देखने को मिलता है, जो जब हम लेटरल व्यू की बात करते हैं, यानी कि साइड से। तो साइड से आपको कौन कौन से लोब्स की स्टडी करते हो जब आप ब्रेन को देखते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, जिसमें कि आप एक बात करते हो ऑसिपिटल लोब के बारे में। ये चीज आपको पता होनी चाहिए लोब्स के बारे में, कि आपके किस हिस्से में ब्रेन के, या जब आप बाहर से टच करते हो तो किस रीजन में कौन सा लोब प्रेजेंट होता है और उस लोब का क्या फंक्शन होता है। आई रिपीट, जब आप बाहर से अपने ब्रेन को टच कर रहे हो, बाहर की तरफ से जब आप अपने स्कल को टच कर रहे हो, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि किस रीजन में हमारे कौन से लोब प्रेजेंट हैं। सिंपली उन लोब का एक्चुअल में बेसिक फंक्शन क्या है, इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब जैसे मैं बात करूं तो लेटरल व्यू जो है आपका, जैसे लेटरल व्यू में सबसे पहले ऑसिपिटल लोब की बात करते हैं, तो ये जो ऑसिपिटल लोब है, ये ऑसिपिटल लोब किसका काम करता है? तो आप ये ऑसिपिटल लोब जो है, इसका मेजर फंक्शन जो है, ये एनालिसिस करता है विजन के लिए, राइट? दैट इज दैट द मेन फंक्शन ऑफ दिस, द एनालिसिस फॉर विजन। तो आपको विजन में हेल्प करता है ये ऑसिपिटल लोब। अगर ये डैमेज हो जाए बच्चों, अगर ऑसिपिटल लोब डैमेज हो जाए तो पर्सन ब्लाइंड है यस सर, ना। तो अगर ये डैमेज होता है तो पर्सन कैन नॉट सी, पर्सन कैन नॉट सी, ठीक। अगर ये डैमेज हो जाए किसी इंजरी से तो पर्सन जो है वो कैसा हो जाएगा, वो ब्लाइंड हो जाएगा, वो नहीं देख पाएगा, राइट। तो ये मेजर काम होता है सबसे पहला ऑसिपिटल लोब के बारे में जो हम बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं देखता हूं यहाँ पे, तो दूसरा है मेरा, इसको ले लेते हैं पेरिएटल लोब को, ठीक है। पेरिएटल लोब की अगर मैं बात करूं तो पेरिएटल लोब का काम क्या है? सबसे पहले लोकेशन आपको समझ आ रही है पेरिएटल लोब की, जब हम इसको साइड से देख रहे हैं, जब हम इसको साइड से देख रहे हैं ब्रेन को, तो हमें ये लोब्स नजर आ रहे हैं। तो सिंपली जो भी हम लोग इसको ना, हम पेरिएटल लोब को एक सेंसरी एरिया के नाम से भी जानते हैं, मतलब इसके अंदर हमारे, आसान शब्दों में कहूं तो सेंसरी एरियाज हैं ये, ठीक है। ये हमारे सेंसरी एरियाज को, या हमारे सेंसरी जो भी पार्ट हम काम कर रहे हैं उसको कंट्रोल कर रहा है। अब सेंसरी एरियाज में जैसे आपके आ गए टच, ठीक है, सेल्फ हेल्प करता है, ठीक है। पेन, आपके पेन होता है तो ब्रेन तक मैसेज जा रहा है, टच आप कर रहे हैं तो टच करके आप पता लगा पा रहे हो कि ये मेरी बुक है, ठीक है। अच्छा, ये पेन है, आप आंख बंद करके पता लगा सकते हो कि ये मेरा मोबाइल फोन है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरी वाटर बॉटल है, तो सेंस करके आप आंख बंद कर, अभी आंख आप देख नहीं रहे हो चीजों को, उसके बाद भी आप उसका पता लगा पा रहे हो, तो ये पेरिएटल लोब आपको सपोर्ट कर रहा है। तो आसान भाषा में और भी मैं कहूं तो ये सेंसेशन, सेंसेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। सेंसेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, सो दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन, ठीक है। और मैक्सिमम केस में आपने, अच्छा आपने लोगों ने एक चीज देखी होगी,
एक चीज और देखी होगी आपने, जब लोगों को पैरालिसिस होता है तो पैरालिसिस के केस में लोगों को लोग टच नहीं कर पाते, सेंसेशन टूट जाता है, यस और नो? यस सर, होता है ना, जब पैरालिसिस होता है लोगों को तो उनका सेंसेशन टूट जाता है, मतलब वो टच करके पहचान नहीं पा, टच नहीं, टच करके आइडेंटिफाई नहीं कर पाते चीजों को, उनको उस रीजन में पेन नहीं होता। तो इसका मतलब जो ज्यादातर केसेस में, मैक्सिमम केसेस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पैरालिसिस होता है, ठीक है, क्योंकि मोटर एरिया जो होता है वो हमारा डैमेज हो जाता है। मोटर एरिया बताऊंगा अभी आगे, मोटर एरिया का आसान शब्द मतलब बताऊं तो आपकी मसल जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, आपने किसी ऑब्जेक्ट को टच किया और वो बहुत ज्यादा ठंडा था, तो आपकी सेंसरी न्यूरॉन्स ने काम करके, उस सेंसरी फाइबर्स ने काम करके, सेंसरी न्यूरॉन ने काम करके मैसेज पहुंचाया ब्रेन तक, और वहां से मैसेज आया कि भाई इसको हटा ले, इस हाथ को हटा ले, तो वो मोटर एरियाज ने काम किया, यानी कि वहां मसल्स ने कॉन्ट्रैक्शन किया और आपने अपने हाथ को हटा लिया। मैं कह रहा हूं कि मैक्सिमम केस में यहाँ पैरालिसिस होता है पेरिएटल लोब में, मोटर एरिया के डैमेज होने की वजह से। अब किसी को पैरालिसिस से पता है, पता लगा कि वो अपना पैर ही नहीं हिला पा रहा है, अब आप उसके पैर पे हथौड़े बजा लो, उसको तो सेंसेशन हो ही नहीं रही, वो तो पैर हिला ही नहीं पा रहा अपना, राइट? तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा पेरिएटल लोब का, ठीक है। कुछ गस्टेटरी एरियाज भी होते हैं जो टेस्ट के लिए एनालिसिस करते हैं। फिर उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे कि दूसरा जो लोब अगर मैं उठा लूं, तो ये जैसे फ्रंटल लोब लेते हैं, चलिए फ्रंटल लोब हो गया। अब फ्रंटल लोब में क्या क्या है, ठीक है, फ्रंटल लोब की बात करते हैं। फ्रंटल लोब, अब ये कैसे होते हैं, ये प्री मोटर एरियाज होते हैं, यहाँ पे कई प्री मोटर एरियाज होते हैं। प्री मोटर एरियाज समझते हो, नहीं समझते होंगे। प्री मोटर एरियाज का मतलब है जैसे कि जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता इसके लिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं राइटिंग यानी कि, तो ये मैं कंट्रोल कैसे कर पा रहा हूँ कि मुझे रुकना है, अच्छा मुझे लिखना है, ठीक है, अच्छा रुक जाओ, आपको बोला रुक जाओ तो आप रुक गए लिखते लिखते, तो दैट इज कंट्रोल्ड बाय दिस प्री मोटर एरियाज। राइटिंग, राइटिंग कंट्रोल सेंटर, ठीक है, राइटिंग कंट्रोल, ऐसे सेंटर अलग अलग हैं, आप भाग रहे हैं तो भागते भागते रुक गए, ठीक है, आप गिर गए तो आप गिर के उठ गए, ठीक है, आपका कोई सामान गिर गया जमीन पे, आप उसको उठा पा रहे हो। पता है आपको कि आपके अगर कई लोब्स डैमेज हो जाए, या लोब्स के अंदर अगर वो लोब्स ठीक तरीके से डेवलप नहीं हुए हैं, तो आपको कई डिसऑर्डर्स, या फाइबर थी आपके कई डिसऑर्डर जो हैं वो आप उनसे सफर्ड हो सकते हो। कितने डिजीज ऐसी हैं जो रिलेट करती हैं इससे, जो बच्चे ठीक से लिख नहीं पाते हैं, ठीक है, लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं ठीक से, तो वो कई आपके इन 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 लोब्स में इम्पैक्ट पड़ता है उनका, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो फ्रंटल लोब है आपका, ठीक है, बोल नहीं पाते कई बार बच्चे। उसके अलावा स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है, स्टमिक की प्रॉब्लम होती है, स्टमिक है, स्टैमरिंग है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो वो सभी ना इसी लोब के आसपास के एरियाज होते हैं बच्चों, यहीं पे, राइट? तो प्री मोटर एरियाज है, जैसे राइटिंग सेंट्रल कंट्रोल है। उसके अलावा जैसे मोटर एरियाज के बारे में बात करूं, अगर मैं अगर जो मोटर एरियाज के बारे में बात करूं, तो वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है, अगर वो डैमेज हो जाए तो, मैंने अभी इसके भी डैमेज हो जाने की वजह से, जैसे मैं अभी पीछे बता रहा था आपको सेंसरी एरियाज में, तो अगर ये डैमेज हो जाए, इफ दिस डैमेज, अगर ये डैमेज हो जाए तो पैरालिसिस जो है वो अकर हो सकता है। पैरालिसिस में अकर, ठीक है, अगर ये डैमेज हो जाए तो, ठीक है। उसी तरह से आपके इसी रीजन के अंदर आते हैं कुछ ब्रोकाज एरियाज, आप लोग पढ़ोगे ब्रोका एरियाज के बारे में, ठीक है, ब्रोकाज एरियाज। अब ये ब्रोकाज एरियाज क्या करते हैं, ब्रोकाज एरियाज जो है, अगर ब्रोकाज है तो हम बोल पाते हैं ठीक से, इन ब्रोकाज एरिया की वजह से
ध्यान रखिएगा, हम लोग ठीक से बोल पाते हैं, रोका है तो बोलेगा, नहीं तो फिर नहीं बोल पाएंगे हम ठीक से। तो आसान भाषा में दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पीक, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पीक, ये इसी रीजन में है सारे एरियाज फ्रंटल लोब में, ध्यान रखिएगा, रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पीक। आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि बच्चों के सर पे नहीं मारना चाहिए या किसी के भी सर पे नहीं मारना चाहिए। सुनिए चीज, कि अगर यस सर, हेलमेट, हेलमेट पहनने के लिए क्यों बोला जाता है? सिर्फ चालान से बचने के लिए? बताओ भाई, कि नो सर, चालान कट जाएगा इसलिए हेलमेट पहन लो। लेकिन हमारे, हम तो ज्यादातर यही देखते हैं, लोग इंजरी के लिए थोड़ी पहनते हैं। मैक्सिमम पॉपुलेशन हेलमेट इसलिए वेयर करती है कि चालान ना हो जाए। क्यों प्रतीक, ऐसा होता ही नहीं होता? यस सर, हम लोग अपने आप, मैं सही बता रहा हूँ, मैक्सिमम लोग सिर्फ इसलिए हेलमेट पहन रहे हैं ताकि चालान ना हो जाए। घर से हेलमेट लेके तो निकल रहे हैं, लेकिन तभी पहन रहे हैं जब सामने अच्छा पुलिस, ट्रैफिक पुलिस है, चलो चलो हेलमेट पहन लो। लेकिन उनको ये नहीं पता कि एक छोटी सी इंजरी भी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है उनके लिए, अगर एक सही रीजन पे अगर इंजरी हो गई। वैसे तो हमारा ब्रेन वेल प्रोटेक्टेड है, लेकिन अगर बाय मिस्टेक अगर हिट हो गया कहीं सही रीजन में, और अगर बाय मिस्टेक कोई भी लोब डैमेज हो गया, तो फिर जिंदगी ऐसी हो जाती है कि यार हम जी क्यों रहे हैं, ना तो हम बोल पा रहे हैं, ना हम ठीक से सुन पा रहे हैं, ना हम कुछ लिख पा रहे हैं, ना हम ठीक से चल पा रहे हैं, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने कई एक्टिविटीज को रेगुलरली। तो आप लोग भी इन फ्यूचर या तो चलाते होंगे व्हीकल वगैरह या चलाएंगे, तो ध्यान रखिएगा, आप सिर्फ हेलमेट इसलिए नहीं पहन रहे कि आप चालान से बच रहे हो, आपको, आप बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो यस, ब्रोका एरिया अगर है तो हम बोलेंगे। अब मान लीजिए किसी की इंजरी की वजह से यही एरिया डैमेज हो जाए तो लाइफ टाइम देखेगा फिर। हाँ, अगर कुछ माइनर प्रॉब्लम है तो थेरेपीज वगैरह से चांसेस हैं वापस से ठीक होने के, लेकिन अगर मेजर कोई इंजरी हो जाए और अगर ये लोब डैमेज हो जाए तो फिर रिकवरी भी नहीं है। या जो नर्व की सप्लाई है अगर वो ही डैमेज हो जाए, या नर्व कोई इस तरह से कंप्रेस हो जाए कि वापस से रिकवरी है ही नहीं, 20% रिकवरी है, 10% रिकवरी है, फिर तो गए लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ब्रोका एरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पीक। अगर ब्रोका एरिया इल डेवलप हुआ है बाय बर्थ, भी प्रॉब्लम हो सकती है, इवन छोटे बच्चे, ये इसलिए बहुत ध्यान रखा जाता है। आपके घर में भी, अगर आपके आसपास कहीं अगर छोटे बच्चे हैं, तो आपने देखा होगा कि 5-6 साल तक बहुत ध्यान से रखा जाता है बच्चा गिर ना जाए, बच्चा गिर ना जाए, क्योंकि अभी उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, अभी ये जो लोब है उसके वो डेवलप हो रहे हैं। मैं मानता हूँ कि कई लोग नहीं जानते, जो भी बायोलॉजी, नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं है पेरेंट्स, या कोई भी सोसाइटी में बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो वो भी ध्यान रखते हैं। उनको ये थोड़ी पता है कि अच्छा फ्रंटल लोब डैमेज हो गया, या ऑसिपिटल लोब डैमेज हो गया, टेम्पोरल लोब डैमेज हो गया, उनको तो नाम भी नहीं पता ठीक से जो नॉन बायोलॉजिकल बैकग्राउंड के। लेकिन उनको इतना पता है कि अगर ये हिट हो गया इसका ब्रेन का कोई पार्ट, बच्चे का छोटे, तो बीमार हो जाएगा। लेकिन स्पेसिफिक रीजंस हैं हमारे ब्रेन में अलग अलग, जिनको हम लोब बोल रहे हैं, जो कंट्रोल कर रहे हैं हमारे पूरे दिन की एक्टिविटीज को। अगर वो बच्चा गिर गया, बेड से ही गिर गया, तो हो सकता है कि उसका कोई लोब डैमेज हो जाए, इसलिए उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इसलिए उसका ध्यान रख रहे हैं। तो यस, अगर ब्रोका जो है, इफ इफ ब्रोका, इफ ब्रोकास एरिया इल डेवलप, इफ ब्रोकास एरिया इल डेवलप्ड, देन पर्सन विल स्टमिक, तुतलाहट हो सकती है उसकी आवाज में, स्टमिक स्पीच, तुतलाहट बोलते हैं इसको। स्टैमरिंग, एक आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टैमरिंग, हकलाहट, तुतलाना, स्टॉमिक, सुने हैं ये वर्ड आप लोगों ने, सुने होंगे डेफिनेटली, ऐसा तो नहीं यस है सर, ना, ऐसे पर्सन से आप कभी मिले भी होंगे जो बाय बर्थ ही ऐसे हैं, या ऐसे भी अगर आप शायद मिले हो जो किसी इंजरी के बाद ऐसे हो गए, तो इंजरी के बाद भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ब्रोकास एरियाज जो हैं आपके, अब आप कहोगे
कि सर ये ब्रोकास एरिया है कहाँ। तो मैंने कहा कि ये फ्रंटल लोब के अंदर है, ये फ्रंटल लोब में है। तो यही इसी फ्रंटल लोब के अंदर हमारे ये ब्रोकास एरिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। स्पेसिफिक अगर मैं रीजन की बात करूं तो आप ऐसा समझिए कि यहाँ कहीं ये ब्रोकास एरिया जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ कहीं ये ब्रोकास एरिया जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। मैं एक एक मैं बता रहा हूँ वैसे ही, लेकिन ये पूरा के पूरा इस रीजन में ये ब्रोकास एरियाज होंगे, राइट। तो ये एक ब्रोका एरिया हो गया हमारे इस फ्रंटल लोब के अंदर, ठीक है, ये ब्रोका एरिया हो गया हमारे इस फ्रंटल लोब में। उसके अलावा जैसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की बात करते हैं इस फ्रंटल लोब के अंदर, ठीक है, और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स रीजन, कॉर्टेक्स आता है आउटर लेयर पार्ट के लिए, ठीक है, और इसको हम जो मैं नाम दे रहा हूं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, प्री मतलब पहले, फ्रंट के कॉर्टेक्स मतलब आउटर, ठीक है। तीन पार्ट में चंक कर दिया हमने वर्ड को। दिस इज आल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ ऑर्गन ऑफ माइंड, राइट, ऑर्गन ऑफ माइंड भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसी मैक्सिमम जो हमारी जो मेमोरी होती है ना बच्चों, वो मेमोरी हमारी इसी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर होती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मैंने वर्ड बोला तो मेमोरी से रिलेट करता है वो, ठीक है। उसके अलावा इंटेलिजेंसी है, इंटेलिजेंसी है, इंटेलिजेंसी भी रिलेट करती है। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं इंटेलिजेंसी वर्ड यूज कर रहा हूं, तो इंटेलिजेंसी आपकी ग्रे मैटर के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है। मैं लिख देता हूँ कुछ पॉइंट्स जो मैं बोल रहा हूँ कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है हमारा, ठीक है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है, यहाँ मैक्सिमम मेमोरी स्टोर होती है, मैक्सिमम मेमोरी स्टोरेज इन दैट रीजन। ठीक है, नो, वेयर इज द रीजन ऑफ सर, एक्चुअली वेयर इज अ प्राइमरी फ्रंटल कॉर्टेक्स रीजन, आप लोग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं मतलब खुद से ही कि इस फ्रंटल लोब में कहां पे होगा वो, कहां पे होगा? प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले, कॉर्टेक्स मतलब आउटर, तो आउटर तो इसका यही होगा ना फ्रंटल लोब का, से यस और नो? कौन कौन है हमारे यस साथ? सर, यस, कौन कौन है हमारे साथ? यस प्रतीक यस है, सर, कोमल है, तितिक्षा सर है, अर्णव है, यस अंतरा सर, है, कर्णदीप है। यस 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 यस, सर, ठीक है, ऑलराइट। तो देखो वर्ड जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ, प्री मतलब पहले, फ्रंटल मतलब सामने, कॉर्टेक्स मतलब आउटर, तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, तो ये वाला रीजन, यानी कि ये वाला जो रीजन हो गया, इसे हम बोल सकते हैं ये वाला जो रीजन है बाहर वाला पूरा, ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अब इसमें अलग अलग रीजन भी हो जाएंगे, आप वो पढ़ेंगे आगे कि भाई हमारा डोर्सोलेटरल प्री फ्रंटल, अब अलग अलग रीजन से ना, अगर मैं इसको सेक्शनल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एक डोर्सल साइड भी हो जाएगी, एक डोर्सोलेटरल साइड भी हो जाएगी, ठीक है, फिर एक वेंट्रल साइड भी हो जाएगी, फिर एक वेंट्रोडोर्सल साइड हो जाएगी, अलग अलग पार्ट्स इसके हो जाएंगे। हम ये डिपेंड करता है कि हम कहाँ से उसको देख रहे हैं, ठीक है। अभी आप इतना ध्यान रखिए, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ऑर्गन ऑफ माइंड, मैक्सिमम मेमोरी जो है वो स्टोर करता है ये। उसके अलावा मैंने कहा कि यहीं पर इंटेलिजेंस भी इस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से रिलेट करती है, ठीक है। अच्छा, क्रिएटिव माइंड होते हैं, क्रिएटिव आइडियाज आते आते ना, क्रिएटिव आइडियाज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ऑल्सो रिलेटेड टू दी क्रिएटिव आइडियाज, ठीक है, क्रिएटिव आइडियाज हमारे यहीं पे छुपे हुए हैं। अब इसको बचा के रखना अपने इस पार्ट को, ये तो क्रिएटिव आइडियाज, पता लगा किसी से लड़ाई बड़ाई हो जाए और कोई तुम्हारे कुछ मार दे यहाँ, पता लगा क्रिएटिव आइडियाज ही कम हो जाए। उसके अलावा थॉट्स जो हैं आपके, ठीक है, थॉट्स भी तशरी, ठीक है।
सो इवन इंटेलिजेंस ही मैंने बोला था अभी, इंटेलिजेंस ही मैंने कहा था, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, इंटेलिजेंस ही आपके ग्रेइश मैटर पे भी डिपेंडेंट होती है, इंटेलिजेंस ही डिपेंडेंट ऑन ग्रेइश मैटर एज वेल। और ग्रेइश मैटर के लिए अभी हमने क्या डिस्कस किया था, ग्रेइश मैटर के लिए हमने क्या बोला था, अनमाइलिनेटेड एक्सॉन। वेरी गुड, ठीक है, अनमाइलिनेटेड एक्सॉन। तो इंटेलिजेंस ही उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होती है उस रीजन में। सो यस, फिर हम बात करते हैं किसकी, हमारा जो सामने हमें एक दिख रहा है अनदर लोब, विच इज द टेम्पोरल लोब। अब इस टेम्पोरल लोब में हमारे जो ऑडिटरी एरियाज होते हैं, ठीक है, टेम्पोरल लोब की अगर बात करें, टेम्पोरल लोब, ठीक है, टेम्पोरल लोब जो हमारा ऑडिटरी एरियाज हो गया, ऑडिटरी एरिया रिलेट करता है साउंड सुनने के लिए, रेस्पॉन्सिबल है बेसिकली, ठीक है। और ठीक है, मैं लिख देता हूँ, साउंड सुनने के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये, ठीक है, साउंड सुनने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो उसके अलावा एक ऑडिटरी एरिया हो गया, इसी में हमारा, इसी टेम्पोरल लोब में आपका हो गया ऑल्फैक्ट्री एरिया, ठीक है, ऑल्फैक्ट्री एरिया, ठीक है, ऑल्फैक्ट्री एरिया, राइट। और उसी के साथ साथ एक इसमें एक एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं वर्निकस, वर्निकस एरिया, वर्निकस एरिया, ठीक है, इसी लोब के अंदर होते हैं, राइट। एंड यस, जो ऑल्फैक्ट्री एरिया है, ये बात इसके बारे में तो जानते हैं, स्मेल का एनालिसिस करेगा, ठीक है, स्मेल का एनालिसिस करेगा, राइट, एकदम। उसके अलावा जो वर्निकस एरिया जो है, दैट इज रिलेटेड टू द रेस्पॉन्सिबल, और यू कैन से दैट रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज, लैंग्वेज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, सीखने में हेल्प करता है, डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज, राइट। तो इनके अंदर जो जो हमारी जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, जो जितनी भी जो न्यूरॉन्स हैं हमारे, इसके अंदर वो डेवलप होती है, मेमोरी और शार्प होती है आपकी, लैंग्वेज सीखने से दूसरे लोब्स को भी फायदा होता है, राइट। और जितनी आप लैंग्वेजेस ज़्यादा सीखते हैं, उतने ज़्यादा आप क्रिएटिव भी बनते हैं, उतने ज़्यादा आपके थॉट्स डेवलप होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, उतने आप स्किलफुल बनते हैं। तो और भी लोब्स को फायदा होता है इस टेम्पोरल लोब से, जिस जो इसके अंदर डिफरेंट टाइप के एरियाज प्रेजेंट होते हैं। उसके आगे अगर मैं बात करूं तो और भी डिफरेंट रीजन हमें देखने को मिलते हैं इसमें, राइट। सो ऑल्फैक्ट्री लोब हमारा, अगर मैं ऑल्फैक्ट्री लोब के बारे में बात करूं, या चलिए और भी रीजंस के बारे में बात करूं इसके, तो जैसे एक हो गया आपका इसमें जो डायन्सीफेलॉन, एक रीजन होता है, ठीक है, डायन्सीफेलॉन, वैसे मैं आगे दिखाऊंगा आपको, डायन्सीफेलॉन, डायन्सीफेलॉन इज अ सिंपल, यू नो, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, और डायन्सीफेलॉन है कहाँ, मैंने एक डायग्राम, ये रहा, हियर वी हैव द डायन्सीफेलॉन, ठीक है, दैट इज सिंपल द दिस स्ट्रक्चर, दिस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, और दिस कंप्लीट बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, इसी रीजन के आसपास हमें देखने को मिलता है जो हम इस लोब के बारे में बात कर रहे हैं, टेम्पोरल लोब, इसी रीजन के आसपास हमें देखने को मिलता है। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसमें चार पार्ट्स में जैसे आप पढ़ते हो, ठीक है, या तीन पार्ट्स जो मेजर आप पार्ट पढ़ते हो, तीन तो है इम्पोर्टेंट उसमें, जैसे कि एक होता है इसमें जो बन रहा है इसमें, या इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, वो एक हो गया एपी थैलेमस रीजन,
एपिथैलेमस रीजन, जो एपी का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था ना पीछे कहीं किसी चैप्टर में बायोलॉजी में, एपी का मतलब क्या होता है? एपी मीन्स अपॉन, एपी मीन्स अपॉन, ऊपर ऊपर, ठीक है, और थैलेमस रीजन तो हो ही गया। तो ये एपिथैलेमस जो एक तरह से रूफ बनाता है, ठीक है, ये इसका रूफ बनाता है, ठीक है, रूफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो ऊपर वाला पार्ट हो गया, तो हम कैसे याद रखेंगे इसको? रूफ लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। कंट्रोल करता है जितनी भी जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है उसमें एपिथैलेमस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ध्यान रखिएगा। मैं मेजर फंक्शन के बारे में बात करूंगा हर एक पार्ट के यहाँ पे। तो ये कंट्रोल करता है जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है, ठीक है। बाकी आप जो फंक्शंस आप पढ़ेंगे, जो भी आपको एनसीईआरटी से बाहर के यहाँ मिलेंगे, वो आप लोग अपने नोट्स से, यानी कि जो मैं लिखवा रहा हूँ उनसे पढ़ेंगे चीजें। बाकी आप लोग ब्रेन वाला भी पूरा स्ट्रक्चर एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, ठीक है, नॉलेज के लिए। किसी ने कुछ कहा शायद अभी, और एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए आप जो भी, मैं एक्स्ट्रा चीजें यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लोब्स के बारे में डिफरेंट अलग अलग, वो आप यहाँ से पढ़ेंगे। बाकी अपने कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लोब्स पढ़ना जरूर, ठीक है, और बाकी एनसीईआरटी को फॉलो करना, इंक्लूडेड फंक्शन। ब्रेन से काम सर, आना डायनसिस वन इज अ पार्ट ऑफ टेम्पल लोब। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द टेम्पोरल लोब, विच इज प्रेजेंट हेयर। सर हाँ, प्रेजेंट हेयर। तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि टेम्पोरल लोब उसको बना रहा है। लोब के अंदर आप ये कह सकते हो कि लोब के पास हमें डायनसीफोलॉन देखने को मिल रहा है। अगर मैं इस डायग्राम में देखूं तो मैं लोब के हिसाब से बता सकता हूँ कि डायनसीफेलोन यहाँ इस, अच्छा, इस लोब में प्रेजेंट है, इस लोब के अंदर है। क्योंकि अलग अलग रीजन में आपके लोब होगा ना, ये आपका, ये अलग लोब हो गया, ये आपका अलग लोब हो गया, ये अलग लोब हो गया। तो अगर मैं सिर्फ डायनसीफेलोन को देखूं तो हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे वो इस लोब के पास देखने को मिलता है, ठीक यस सर, है। लेकिन अपने आप में डायनसीफेलोन के कितने पार्ट्स हैं, दैट इज अ क्वेश्चन, ठीक है। तो डायनसीफेलॉन याद रखना है आपको, बच्चे पूरा ब्रेन पढ़ लेते हैं और उनसे अगर पूछो कि ये डायनसीफेलॉन क्या है तो वो फिर बता नहीं पाते, ठीक है। तो ये कई बार होता है। तो डायनसीफेलॉन आपने पढ़ना है अच्छे से, एटलीस्ट उसके पार्ट जो हैं वो तो ध्यान रखना। तो एपिथेलेमस जो रूफ बनाता है, कंट्रोल कर रहा है सेक्शुअल मेच्योरिटी को। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे तो हाइपो थैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस। अब हाइपो का मतलब क्या होता है? वो ऊपर तो ये नीचे, ठीक है, वो ऊपर तो ये नीचे, ठीक है। तो ये नीचे वाला पार्ट जैसे, तो ये डायनसीफ्लोन का नीचे हो गया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये फ्लोर बनाता है, ठीक है, ये फ्लोर बनाता है, ठीक है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ इसे हिंदी में ताकि आपको समझ आए अच्छे से, आप एक बेस प्रॉपर तैयार हो आपका, अखा डायनसीफेलोन में, चाहे हाइपोथैलेमस, ये अच्छा हाइपोथैलेमस रीजन हमने ब्रेन में पढ़ा है, हाइपोथैलेमस रिलेट करता है डायनसीफेलोन से। ओके, जो डायनसीफेलोन जो पार्ट बन रहा है, यानी कि उसका जो फ्लोर तैयार कर रहा है, वो हाइपोथैलेमस रीजन तैयार करता है। ऑल राइट, तो इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट मैं इसमें बात करूँ, अच्छा इसमें क्या करेगा ये, तो जितने भी जो लोअर, ये भी ध्यान रखना कि इसकी, इस डायनसीफेलोन की जो भी लोअर, यू नो, लोअर और लेटरल, लोअर लेटरल वॉल जो होंगे उनको भी बनाता है ये, ठीक है। तो यस, ये फ्लोर बनाता है और लेयर लेटरल वॉल को बनाता है इसकी, ठीक है। हाइपोथैलेमस बना रहा है इसकी, फ्लोर बनाता है ये डायनसीफेलोन का, और जो भी साइड्स में जो वॉल्स हैं उनको बना रहा है, हाइपोथैलेमस फॉर्म कर रहा है उस डायनसीफेलोन के लेयर को, राइट, ओके। एंड फिर इनके अलग अलग फंक्शंस तो आप लोग पढ़ते ही हैं। हाइपोथैलेमस जो है वो कंटेन करता है नंबर ऑफ सेंटर्स को, जो कंट्रोल करते हैं बॉडी के टेम्परेचर को, अर्ज फॉर ईटिंग, ड्रिंकिंग, ये सारे, ठीक है। तो फिर कई हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स भी पढ़े हैं हमने, पढ़े हैं ना हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स, अरे यस इसे ऐसा, सर, हाँ यस सर, हाँ जी। यस तो सर, फिर तो वो काम वो कर ही रहा है, वो काम तो उसका हो ही गया, ठीक है। एंड उसके बाद फंक्शंस तो आप लोग कर लेंगे, वो आपको सीधा याद ही करने हैं, वो मैंने जैसे बोला ईटिंग वगैरह, अर्ज वगैरह, मैं अभी लिखवा दूंगा उसको, ठीक है। बिहेवियर है, एंडोक्राइन कंट्रोल है, अभी उसका निमोनिक बताऊंगा आपको, ठीक है।
या चलो बता ही देता हूँ, जैसे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, नीट में ज्यादातर टाइम जब ब्रेन से क्वेश्चन पूछा गया है तो हाइपोथैलेमस की फंक्शनिंग के पास में पूछा गया है, इसके फंक्शन क्या है, तो इसलिए इसके लिए एक निमोनिक तैयार किया गया, ठीक है, जिससे कि भाई याद रहे बच्चों को, पूछा जाता है बार बार, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हाइपोथैलेमस जो है वो इंटरनल फीलिंग के लिए क्या रहता है, क्या लिखा मैंने ये, किताब हाँ जी क्या रहता है बच्चों, हाइपोथैलेमस इंटरनल फीलिंग के लिए हमेशा बेताब रहता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ बेताब रहता है हेयर, सो लेट्स टॉक अबाउट द बेताब रहता है। सो बी हेयर फॉर द बिहेवियर बिहेवियर एंड इमोशन, ठीक है, बिहेवियर से इमोशन रिलेट करेंगे, हमारे हमारे या इमोशन से हमारा बिहेवियर रिलेट करेगा, कुछ भी कह सकते हो। नाउ द ई, मैंने अभी बोला कि हार्मोन कंट्रोल कर रहा है, हार्मोन रिलीज करता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं, तो यानी कि वहां पे हमारी एंडोक्राइन कंट्रोल भी कर रहा है, ठीक है। नाउ द टी इज, मैंने भी बोला कि टेम्परेचर के लिए काम करता है वो, तो उसको आप बोलेंगे थर्मो रेगुलेशन, ठीक है जी। उसके बाद ए, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस कंट्रोल, ऑटोनॉमिक नर्वस कंट्रोल, ये तो कर ही रहा है। उसके अलावा आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम को, बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम को रेगुलेट करता है ये हाइपो थैलेमस, ठीक है। तो यस, हाइपोथैलेमस साथ साथ एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस आपके जो एक्सप्रेशन है, इमोशनल रिएक्शंस हैं, एक्साइटमेंट है, मोटिवेशन है, डर है, प्लेजर है, काफी सारे फंक्शन कंट्रोल करता है। तो मेजरली आप इनसे छोटे मोटे काम या फंक्शन जो है वो सारे इससे निकालेंगे। तो बिहेवियर एंड इमोशंस, एंडोक्राइन कंट्रोल, थर्मो रेगुलेशन, ऑटोनॉमिक नर्वस कंट्रोल आता है इसमें, और बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम आता है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर, यस सर। याद हो गया, अपने नोट्स में लिख लेना, एनसीईआरटी में लिख लेना, जब भी रिवीजन के टाइम पे खोलोगे तो आपको याद रहेंगे फंक्शन, ठीक है, निमोनिक की हेल्प से याद रहेंगे। मैं तो कहता हूँ बनाया करो निमोनिक, अपने बनाया करो, ठीक है, या जिसके भी अच्छे लगते हैं उसको लिखा करो अपनी एनसीईआरटी में, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है निमोनिक बनाने में, ठीक है। जब इतने सारे एग्जाम्पल्स हमें याद रखने होते हैं ना 180 मिनट में, तो हमें निमोनिक हेल्प करते हैं, लेकिन ये याद रहे कि निमोनिक यूनिक हो आपके, जो भी आप बना रहे हो, ठीक है। चाहे आप फन रिलेटेड बना सकते हो, और क्या कर सकते हो, आप अपने किसी फ्रेंड्स के नाम से रिलेट कर सकते हो उसको, फैमिली मेंबर से रिलेट कर सकते हो उस कॉन्सेप्ट को, कभी भी ध्यान रखना, कोई भी कॉन्सेप्ट हो किसी भी सब्जेक्ट का, उसको अपने किसी दोस्त से या फैमिली मेंबर से या किसी से भी रिलेट कर दो, ठीक है, और फिर देखो कैसे वो याद नहीं रहेगा अगर आपको, या फिर आप उसको एग्जाम में भूल जाते हो या एग्जाम्पल्स भूल जाते हो, तो उसको रिलेट कर दो, या न्यूमोनिक्स बना दो उसमें, न्यूमोनिक्स भी अपने किसी क्लोज वन या अपने फ्रेंड से फैमिली मेंबर से रिलेट कर दो, पांच टॉपिक हैं तो पांच टॉपिक को पांच फ्रेंड से रिलेट कर दो, राइट। तो आप देखना कि वो फन के साथ साथ आपको किस तरीके से लंबे टाइम के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर फिट होते चले जाएंगे। देन तीसरा जो पार्ट था इसमें, एपिथैलेमस हमने बात की, हाइपोथैलेमस की बात की, और एक जो है इसके अंदर बात करते हैं थैलेमस के बारे में, ठीक है। थैलेमस ये डायन्सीफेलोन का एक ये बनाते हैं आपकी, ये अपर और लेटरल वॉल बनाती है ये भी, ठीक है। जैसे मैंने उसको बोला हाइपोथैलेमस को कि वो लोअर लेटरल वॉल बनाता है, तो ये वाला पार्ट
अपर डायन्सीफेलॉन का अपर लिटरल वॉल बनाता है। ठीक है, ठीक है, ये लिख लेना आप, अपर लिटरल वॉल बनाता है ये। और थैलेमस डायन्सीफेलॉन का 80% पार्ट होता है। दिस इज 80% पार्ट ऑफ डायन्सीफेलॉन। ठीक है, और ये एक तरह से आपका एक्ट करता है एज अ रिले सेंटर, एक्ट्स एज अ रिले सेंटर। ठीक है जी, जितने भी जो सेंसरी इनपुट्स होते हैं ना, रिसीव करता है ऑल सेंसरी इनपुट्स को फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये सारे इनपुट्स जो भी ये ले रहा है, जितने भी जो सेंसरी इनपुट्स ले रहा है ये, वो सारे सेंड होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। हमारी बॉडी में ध्यान रखिएगा, जो भी सेंसेशन हो रहे हैं वो थैलेमस से होते हुए हमारे बाकी के पार्ट्स में ब्रेन के जाते हैं। ठीक है, आपके अलग अलग पार्ट्स के ब्रेन के अलग अलग रीजंस के अलग अलग काम हैं, तो थैलेमस से होते हुए जाते हैं जो भी सेंसेशन होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट कि हमारे, मैं लिख देता हूं, मैंने क्या बोला कि हमारी बॉडी में जितने भी सेंसेशंस होंगे या होगा, वो थैलेमस से होते हुए ब्रेन को जाएगा। यानी कि मेरा यहाँ पे ब्रेन को जाने का मतलब है कि दूसरे जो पार्ट्स है ना उनके अंदर पहुंचेगा। ठीक है, तो ये सारा थैलेमस जो है वो देखेगा, तो थैलेमस का भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यस, जो सेरिब्रम, आप जो एक पार्ट पढ़ते हो ना सेरिब्रम, फ्रंटल लोब की तरह, कहाँ पढ़ते हो सेरिब्रम? आपके फोर ब्रेन में। कहाँ पढ़ते हो आप? जब एनसीईआरटी में अपना देखोगे डायग्राम, जब आप देखोगे तो आपको इस रीजन में यहाँ पे कहीं सेरिब्रम देखने को मिलेगा, यहाँ कहीं सेरिब्रम देखने को मिलेगा, सेरिब्रम। और ये जो पार्ट आपका आएगा यहाँ पे कहीं इधर थैलेमस देखने को मिलेगा ना, यहाँ पे कहीं थैलेमस, और इस रीजन में कहीं यहाँ हाइपोथैलेमस देखने को मिलेगा। मतलब इसी के अंदर है, जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ डायन्सीफेलॉन का, इसी के अंदर, राइट। तो सेरिब्रम जो रैप होता है, आपके एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूँ मैं, आपके एनसीईआरटी की लाइन जब आप पढ़ोगे देखना उसमें क्या लिखते हैं वो, कि सेरिब्रम सेरिब्रम रैप्स, सेरिब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर, सेरिब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर इस कॉल्ड थैलेमस। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, तो सेरिब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड थैलेमस। ठीक है, और यस, ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है हमारी बॉडी का। किसके लिए? सेंसरी, मैंने बोला सेंसेशंस के लिए। ठीक है, साथ ही साथ मोटर भी है, लेकिन सेंसेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हमारी बॉडी में सेंसेशन हो रहे हैं वो थैलेमस से होते हुए ब्रेन की तरफ जाते हैं। तो ये एक्ट करता है एज अ रिले सेंटर, रिसीव करता है सेंसरी इनपुट्स को बॉडी के सारे पार्ट से, लिख लेना, और यही इंपल्सेस को सेंड करता है आगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन के अंदर। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर एकदम? बाकी तो आप लोग देखेंगे उसमें, यस सर, एकदम क्लियर। थैलेमस अगर अपर लेटर वॉल बना रहा है, तो थैलेमस के नीचे कौन सा पार्ट देखने को मिल रहा है हमें? देखें जरा, स्ट्रक्चर समझे नहीं समझे? बोलो, मैंने कहा कि थैलेमस अपर लेयर लेटरल वॉल बना रहा है, तो थैलेमस के नीचे वाला पार्ट कौन सा हो गया? अगर डायन्सी फिलोन को हम देख रहे हैं तो तीन तरीके से देखा ना, एपी हाइपोर थैलेमस। मैं कह रहा हूं, हाइपोथैलेमस वेरी गुड, किसने बोला ये? प्रत्यक्ष। वेरी गुड,
अभी तो बात की हमने पीछे, आंखें खोलो भाई। हाइपोथैलेमस ये फ्लोर बनाता है, लोअर लेटरल वॉल को बनाता है। तो लोअर पार्ट अगर ये हो गया, और मैंने यहां लिखा है कि अपर लेटरल वॉल को बनाता है, तो यस द हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस। ठीक है, ये चीज ऐसे ध्यान रखेंगे। तो स्ट्रक्चर जब भी आप पढ़ेंगे इसी तरीके से रीड आउट करेंगे। एंड आई रिपीट, एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ना आप लोग, जब इसके पढ़ोगे लाइंस को, और समझना है आपको इसी तरीके से कि क्या वहां पे हम लोग बात करना चाह रहे हैं। देन सेरेब्रल कॉर्टेक्स है आपका, ये पढ़ते हैं आप लोग आगे, देखेंगे इसमें जो हमारा आउटर सरफेस है, जो सेरेब्रम का 2 to 6 मिलीमीटर थिक एंड इज नॉन ए सेरेब्रल कॉर्टेक्स रीजन। हमारा कॉर्टेक्स मतलब बाहर वाला रीजन, ठीक है। और उसके अलावा दैट कंसिस्ट ऑफ द ग्रे मैटर, ग्रे मैटर के बारे में भी हमने बात की, कितना इंपॉर्टेंट है ग्रे मैटर हमारा। तो यहाँ कुछ और वर्ड्स आते हैं, जैसे कि गायरे एक वर्ड आता है, ठीक है, वर्ड्स आपको क्लियर होने चाहिए। देयर इज अ सरफेस आर ऑफ द सरफेस आर ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज इंक्रीज्ड बाय द न्यूमरस इनफोल्डिंग और कॉन्वोल्यूशंस व्हिच आर कॉल्ड द सल्सी। मैंने शुरुआत में बताया कि सल्सी का मतलब क्या है, स्मॉल ग्रूव्स ये आपको दिख रहे हैं जो आप बनाते हो। आप जब भी ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हो तो सबसे पहले आप यही दिखाते हो, राइट। अब ये लेटरल है तो लेटरल, राइट, लेटरल सर्कस। अभी मैंने शुरुआत में ही वर्ड यूज किया था कि अगर मुझे लेटरल साइड में ये देखने को मिल रही हैं, अगर मुझे ये लेटरल साइड्स में देखने को मिल रही हैं, तो मैंने इसको क्या वर्ड यूज किया था, लेटरल सल्कस। और सल्सी मैंने जो यूज किया था वर्ड, वो यूज किया था प्लूरल के लिए, और जो सल्कस हम यूज करते हैं वर्ड, वो हम सिंगुलर के लिए यूज करते हैं। फिर ये फिजर लाइक लॉन्गिट्यूडनल फिजर शुरुआत में दिखाया था, ठीक है, लार्ज ग्रूव है ये। अच्छा, ग्रूव मतलब क्या समझते हो बच्चों, बायोलॉजी में ग्रूव का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? एम आई ऑडिबल? यस, ओके, ठीक है। तो ग्रूव जहां भी आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, और ग्रूव जब जब भी आप लोग पढ़ेंगे, आप ये बता सकते हैं ग्रूव के लिए कि हम कोई एक कट दिखा रहे हैं वहां पे, हम सेपरेशन दिखा रहे हैं वहां पे, ठीक है। आप जब एनाटॉमी पढ़ेंगे, और या फ्यूरो जो आप वर्ड यूज करेंगे, फ्यूरो यहाँ पे नहीं है वर्ड, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ, तो फ्यूरो भी वर्ड आप उसके लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। आप डिप्रेशन, आप लोग एक वर्ड पढ़ते हो डिप्रेशन, ठीक है, तो वो भी यूज कर सकते हो उसके लिए, ठीक है, या फिरो यूज कर सकते हो उसके लिए, राइट, कोई भी सरफेस पे। तो जब भी हमें ऐसे डिविजन्स देखने को मिलेंगे, तो आप इन टर्म्स का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कि स्मॉल ग्रूव है, फिजर जो है वो एक लार्ज ग्रूव है। इसी तरीके से हम यहाँ पे गायरी देखते हैं, गायरी दैट इज एन स्वेलन एरिया बिटवीन द एडजेसेंट सल्सी एंड द फिजर, आप देखते हैं ये। और गायरी रीजन अलग अलग जो उठाव बाहर की तरफ हमें फील होते हैं हमारे हेड रीजन में, तो दीज आर दी गायरी रीजन। तो गायरी आएगा स्वेलन एरिया बिटवीन द एडजेसेंट सल्सी एंड द फिशर, तो ये गायरी एरिया हम लोग, राइट, इज दैट क्लियर? चलें आगे, यस सर। ओके। 2/3 ऑफ द सरफेस ऑफ द, कुछ किताबी भाषा यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ेंगे, 2/3 ऑफ द सरफेस ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज हिडन इन द सल्सी एंड फिजर। दो कहना है कि 2/3 जो हमारा सरफेस है सेरेब्रल कॉर्टेक्स रीजन का, वो कैसा है, वो कवर्ड है, बेसिकली हिडन है सल्सी और फिशर के अंदर। यस, बिनिथ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स, यस, एंड द सेरेब्रल कॉर्टेक्स न्यूरॉन फ्रॉम द वाइट मैटर। बहुत सारे माइलिनेटेड एक्सॉन्स, बिल्कुल जी, 100 बिलियन। अभी मैंने शुरुआत में एक लाइन बोली थी कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो मेड अप होता है अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन से। बच्चों, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है हमारा, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन करता है रफली 10% ऑफ ऑल न्यूरॉन्स, ठीक है, दैट कंटेन्स, ये भी एक डेटा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंटेन्स रफली 10% ऑफ ऑल न्यूरॉन्स, 10% ऑफ ऑल न्यूरॉन्स, ठीक है। एंड ये पता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो, ये भी मैं कहीं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना हो जाऊं,
ये भी मेडअप होता है, मतलब 6 लेयर्स है न्यूरॉन की, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, नॉलेज के लिए ध्यान रखना। एंट्रेंस वगैरह में आई डोंट थिंक सो कि ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी। टेन कंटेन करता है रफली 10% ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। एंड यस, एंड इज मेडअप ऑफ 6 लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। 6 लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स, लेयर्स है न्यूरॉन के। और इस तरह के कॉर्टेक्स को हम नियो कॉर्टेक्स के नाम से भी जानते हैं। सो यस, सच कॉर्टेक्स इज कॉल्ड नियो कॉर्टेक्स, ठीक है। इसे हम नियो कॉर्टेक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और अगर ये लेयर्स प्रोटेक्शन के लिए, आप आगे जाके एनाटॉमी में पढ़ेंगे, और अगर ये लेयर 6 से कम होती हैं बच्चों, तो उसके लिए एक वर्ड आता है एलोकॉर्टेक्स, ठीक है। एलोकॉर्टेक्स, एलोकॉर्टेक्स हम यूज करते हैं जब ये जो 6 लेयर की बात कर रहा हूं मैं, और यही लेयर, लेयर्स अगर, लेयर्स कैसी हैं, लेस देन 6 हैं, ठीक है, लेस देन 6 हैं, तो उसे हम एलोकॉर्टेक्स के नाम से भी जानते हैं। सवाल मन में आ रहा होगा, सर आप हमें क्यों बता रहे हैं? मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि तो जब आप पढ़ते हो कि 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन में, इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स में सिर्फ आपके रफली 10% न्यूरॉन्स जो है होती हैं, जो कि बनती हैं इस तरह के लेयर से अलग अलग न्यूरोन्स की, ठीक है जी, राइट, यस सर। ओके। देन आगे हम इसमें बात करते, देखिए कुछ और पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जैसे सेरिबेलम है, तो सेरिबेलम जो है हमारा किसका पार्ट होता है? सेरिबेलम हमारा कौन से रीजन का पार्ट होता है? सेरिबेलम आता है हमारे माइंड पेन। हाइंड ब्रेन में, ठीक है। कोई और इसके फ्रेंड्स हाइंड ब्रेन के, ओ सॉरी सेरिबेलम के, तो जैसे पॉन्स है, ठीक है, पॉन्स आता है इसके अंदर, और मेड्यूला आता है मेड्यूला। इसके अंदर, वेरी गुड, ठीक है। इनके फंक्शन याद रखना, कई बार मैचिंग की फॉर्म में आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में आए, और सीबीएसई में तो पूछ लेते हैं, ठीक है, फंक्शन ही पूछते हैं डायरेक्टली। और मे बी आप लोगों ने शायद लास्ट ईयर भी नहीं पढ़ा था, क्लास 10th में भी ये चैप्टर, क्योंकि डिलीटेड था उस साल भी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें क्लास 10th में भी आप थोड़ा सा पढ़ते हो ब्रेन के पार्ट को भी, तो वहाँ पे शायद ना पढ़ा हो काफी बच्चों ने। तो यस, सेरिबेलम जो है वो आपका एक पूरा का पूरा जो सेरिब्रल स्फेयर के आसपास आप पढ़ते हो, तो ये काफी एक स्ट्रॉन्ग या बिगर पार्ट जो हमें देखने को मिलता है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का। इट इज ऑल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ लिटिल सेरिब्रम एंड प्रेजेंट विच इज बिलो द सेरिब्रम, राइट। तो सेरिबेलम आप देख सकते हो यहाँ पे इस रीजन में पिक्चर के अंदर। एंड यस, यहाँ पे जैसे पॉन्स की बात करूं अगर मैं सबसे पहले, तो पॉन्स रीजन जो है, पॉन्स का फंक्शन क्या हो गया? पॉन्स रेगुलेट करता है आपके, वन बाय वन अगर बात करूं तो ये रेगुलेट करता है आपकी जो ब्रीदिंग है, आप लोगों ने वहां पे भी पढ़ा है ना चैप्टर 17 में, ठीक है। निमोटॉक्सिक सेंटर वर्ड याद है जो हमने डिस्कस किया था वहां पे सबको? यस सर, यस, तो वो यस इसी सर। रीजन में था, ध्यान रखिएगा। तो रेगुलेट ब्रीदिंग रिएक्शन, इसलिए मैं सबसे पहले वही वर्ड लिख रहा हूँ जिससे कि आपका वो कॉन्सेप्ट भी वापस से आ जाए, हाँ हमने पढ़ा था ब्रीदिंग रिएक्शन, तो कैसे? थ्रू थ्रू न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, ठीक है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। सेरिबेलम पे अगर मैं वापस आऊं, तो यस सेरिबेलम जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इससे भी सवाल जो है वो पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन भी एक्चुअली इसके, तो जब इम्पॉर्टेंट है तो कुछ निमोनिक टाइप भी होना चाहिए हमारे पास इसके लिए, ठीक है। तो बीबी पेट जैसे मैंने इसका बनाया, और ये बीबी पेट से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उसको भी समझते हैं। तो बीबी पेट से मेरा मतलब है इसके फंक्शंस को लेके। तो बीबी पेट बोले तो जैसे सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी बैलेंस, ठीक है, बैलम याद कैसे रखोगे?
ब्रह्म और बेलम में अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं कि कौन सा बैलेंसिंग में अपना रोल प्ले करता है। तो एल फॉर बैलेंस याद रखिएगा और एल फॉर बेलम, ठीक है, दोनों में एल एल आ रहा है तो याद रखिएगा बैलेंसिंग में सेरिबेलम हेल्प करता है, बैलेंसिंग में सपोर्ट करता है। पेट को अगर देखें तो पी फॉर पॉस्चर जो हमारा बनता है, पॉस्चर बनाने में काफी अच्छा रोल है इसका, कंट्रोल करने में। ई से अगर मैं देखूं तो बैलेंसिंग, बैलेंसिंग बैलेंसिंग बोले तो इक्विब्रियम। हाँ अब आपको वो केमिस्ट्री का इक्विब्रियम याद आ गया होगा, थर्मोडायनेमिक। तो ये इक्विलिब्रियम में भी रोल प्ले करता है। इक्विलिब्रियम का मतलब बायोलॉजी में बोले तो मतलब गिरते हुए को संभालना, स्टेबल स्टेबल रखना, ठीक है। तो यस, उसके अलावा टी बोले तो टोन ऑफ मसल, ठीक है, टोन ऑफ मसल। तो ये इम्पोर्टेंट फंक्शन है घुमा फिरा के। अगर नॉलेज के अलावा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो इन्हीं से फंक्शन पूछते हैं आपके, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते आपको, ठीक है। आपकी जो स्किलफुल मूवमेंट्स होती हैं, तो स्किलफुल मूवमेंट से मेरा क्या मतलब है, जितनी भी जो आपकी स्किलफुल मूवमेंट्स होती हैं, साइकिल चलाना एक स्किलफुल मूवमेंट है बच्चों, बैलेंसिंग का रोल है ना, इक्विलिब्रियम, बॉडी बैलेंस, पॉस्चर एज वेल, है कि नहीं। यस हाँ वो सर बात अलग है कि आप लोग 26 जनवरी पे देखते हैं जब परेड निकलती है तो कुछ अलग ही तरह का बॉडी बैलेंस वो बना के चलते हैं। तो ये मत सोचना कि वहां पे सेरिबेलम कुछ ज्यादा डेवलप होता है उनके अंदर, ठीक है। या कोई आपका पड़ोसी अगर इंस्टाग्राम पे रील डाल रहा है और वो उल्टी साइकिल चला रहा है, या कहीं बैठा है और कहीं देख रहा है अजीब तरीके से साइकिल चला रहा है, तो ये मत सोचना कि इसका सेरिबेलम खराब हो गया है या फिर इसके अंदर सेरिबेलम कुछ ज्यादा डेवलप है। नहीं, वो स्किल्स उसने डेवलप किए हैं अपने, उस तरीके से बना रहा है और बॉडी के, ब्रेन के बाकी पार्ट्स भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं उस टाइम पे। तो यस, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्किलफुल मूवमेंट आपकी जो होती है, चाहे आपको ड्राइविंग चलाना करना कह सकते हैं, साइकिलिंग कह सकते हैं, या जहां पे भी स्किल्स आती हैं, सेरिबेलम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अब आपने कभी देखा होगा कि मैंने जब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है बच्चों, मैंने अभी बोला कि जैसे गिरते हुए को संभालना, मैंने ऐसा कुछ बोला था ना अभी, गिरते गिरते संभालना, शायद मैंने कुछ ऐसा कुछ वर्ड यूज किया हो इक्विलिब्रियम से रिलेट करके, बैलेंस बनाते चलना। अब जो लोग होते हैं जो हु टेक्स अल्कोहल इन एक्सेस अमाउंट, तो उनके साथ क्या होता है, तो इसका मतलब समझ रहे हो, कई बार देखा होगा आपने कि यस सर लिकर लेने के बाद और वो कहीं गिरे हुए हैं, उनको होश ही नहीं है कि नहीं। और टोन ऑफ मसल भी है कि नहीं, टोन ऑफ मसल भी चेंज हो जाती है, कभी आपने देखा हो या कभी आपने सुना हो। यस, क्या कह रहे हो सर, होली आ रही है, देखने को मिलेंगे, काफी सारे वीडियोस आएंगे हमारे पास हैं। अच्छा यस सर ये देखो आवाज आई निकल के, यस सर, हाँ सब समझ रहा हूँ। तो सेरिबेलम जो है ना, यस ध्यान रखिएगा, तो जो पर्सन ज्यादा लिकर एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो उनका सेरिबेलम इफेक्ट होता है, ठीक है, और इसलिए बॉडी बैलेंस नहीं बन पाता और टोन ऑफ मसल जो है वो भी ठीक तरीके से नहीं हो पाती। तो कोई अगर आपके साथ, मतलब आपके साथ में या आपके आसपास अगर कोई ऐसा करता है होली के दिनों में या होली वाले दिन, तो समझना बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट कि भाई इसका सेरिबेलम जो है अब वो बस में नहीं है इसके, समझाना उसको मत समझाना, क्योंकि वो नहीं समझेगा, क्योंकि उस टाइम पे समझेगा या समझेगी भी हो सकती है, क्योंकि उस टाइम पे उसका सेरिबेलम आउट ऑफ कंट्रोल है जो बैलेंसिंग। लेकिन आप समझ सकते हैं मेगा बायोलॉजी स्टूडेंट कि अब अल्कोहल ने या लिकर ने उसने इसके सेरिबेलम पे इम्पैक्ट डाल दिया है, इसलिए अब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो, ठीक है जी। चले आगे, तो इस तरीके से आपको हाइंड ब्रेन के फंक्शन भी बच्चों याद रहेंगे। सर, इसका चलिए, ट्रीटमेंट कैसे होता किसका ट्रीटमेंट करना है बेटा? है, यही जब ये कंडीशन होती है? नहीं अरे 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 अरे, ये तो खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया तुमने है सर, भाई देखो ना, जैसे जैसे अल्कोहल का इम्पैक्ट या जो अल्कोहल की मात्रा आपकी बॉडी में उस टाइम गई हुई है और जाके इस स्पेसिफिक पार्ट को इम्पैक्ट कर रही है, जैसे जैसे रिड्यूस होगा उसका इम्पैक्ट, वैसे वैसे
आप ये सोचे कि ऑल ऑफ द सडन हो जाए तो वो तो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, कई लोग करते हैं मतलब कुछ। हाँ जी, कुछ कुछ बोल रहा था कुछ। सर मुझे पता अरे देखो, अरे एक से एक है हमारे पास। हाँ जी है। बोलिए बाबा बंगाली, बताइए। नींबू नींबू। अच्छा। अरे वो तो डाइजेशन हिला देता है नींबू तो, लेकिन नींबू से वो जो इम्पैक्ट वहां पे पहुंच चुका है वो इतनी जल्दी डाउन नहीं होता ना, समझ रहा है? नींबू करता तो है। सर हाँ तो तूने तो ट्राई नहीं किया कभी नींबू, है भाई नो सर। बाबा बंगाली? नहीं, ठीक है, जोक से बात सर कुछ नहीं। गुड़ भी खा लेते हैं। कुछ गुड़ भी खा लेते हैं? ओ हो, वाह भाई वाह, मैं लिख लेता हूँ। 1 मिनट यार, क्या पता इन फ्यूचर किसी को ठीक करने में काम आ जाए कुछ। है ओके, गुड़ हो गया, एक नींबू हो गया, और कुछ बताइए। आज हमारे बीच डॉक्टर्स कम हकीम ज्यादा है, बताइए जी। सर नींबू तो पक्का सुना होगा आपने। डॉक्टर साहब, हाँ मैंने सुना है नींबू तो वो डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम पे जाके इम्पेक्ट डालता है सबसे पहले। ठीक है, तो क्यों नींबू क्यों लेते हैं, कोई जानता है? सर बताइए। सिट्रिक एसिड की अरे वजह से। वाह, ये देखो कितना बढ़िया जवाब दिया, हमें पता नहीं था उसमें सिट्रिक एसिड होता है। लेमन जूस कैसे, लेमन जूस जो है ना वो इनहिबिट करता है अल्कोहल का जो एक्शन इंड्यूज होता है ना आपकी बॉडी में जाके। तो लेमन जूस जो आपका सिट्रिक एसिड है उसको रिड्यूस करता है, तो इसको, सॉरी आई रिपीट, उसको इंड्यूस करता है, मतलब उसका जो इम्पैक्ट इंड्यूस होता है ना उसको रिड्यूस करता है जाके। कई मैकेनिज्म होती है आपकी बॉडी में, उसमें कई एंजाइमिनल फंक्शन होता है। एलानाइन ट्रांस अमाइनेज के नाम से एक एंजाइम होता है जो जो उसके फंक्शन को बढ़ाता है, और उसके अलावा लीवर के साथ मिलके बहुत सारी रिएक्शंस होती है जो उस कम टाइम में। ठीक है, शायद आप आगे जाके फिजियोलॉजी में उसको पढ़ेंगे कैसे नींबू या जो इंड्यूस जो इम्पैक्ट होता है अल्कोहल का बॉडी में जाने के बाद उसको कम करता है, और वो काफी इफेक्टिव होता है। लेमन वाले बाबा कहाँ है हमारे? यस, लेमन वाले बाबा काफी इफेक्टेड होता है वो। गुड़ का तो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, मैं गलत क्यों बताऊं, मुझे नहीं पता गुड़ के बारे में कि गुड़ कैसे इम्पैक्ट डालता होगा, राइट? लेकिन हाँ वो कई मैकेनिज्म को स्टार्ट करता है और कई मैकेनिज्म को स्टॉप करता है। इंड्यूस जो अल्कोहल के जो इम्पैक्ट इंड्यूस होते हैं बॉडी में जाकर उसको रिड्यूस करना स्टार्ट करता है। ठीक है जी, और फिर सर वो स्वीट्स खाने से और वो चढ़ती हैं। हाँ अलग अलग, देखो उनके अलग अलग इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं क्योंकि मैकेनिज्म चेंज होता है आपके डाइजेशन की प्रोसेस जो है उसको स्लो डाउन करता है, उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस करता है, किसी चीज को बढ़ाता है। ठीक है, तो एंजाइमिनल कट रिएक्शन, लिस्ट की तरह सर काम करती है। यस हाँ वही, क्योंकि आपकी जो एंजाइम्स हैं बॉडी में अलग अलग तरह के, वो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग जूसेस पे अलग अलग इम्पैक्ट दिखाते हैं डिफरेंट, इसीलिए तो किसी के खाने से बढ़ रहा है या किसी के खाने से रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो मैकेनिज्म को रोक रहा है या किसी दूसरे मैकेनिज्म को सपोर्ट कर रहा है, अलग अलग फंक्शंस होते हैं सबके, पढ़ेंगे आप उसके बारे में। ठीक है, खैर वापस आते हैं मुद्दे की बात पे। सो यस, सेरिबेलम का ध्यान रखिएगा इसी से। अच्छा मिड ब्रेन, अब जैसे इसमें कई और भी पार्ट्स आपको बताए हैं कि अलग अलग लेयर्स होती हैं इनमें, आउटर लेयर जो सेल बॉडीज की हैं, ठीक है, मिडल लेयर हो गई फ्लास्क शेप, कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन जिसके आप पर्किंजर सेल्स भी बोलते हैं, और इसी बीच जैसे हम मिड ब्रेन को हमने एक बात नहीं की यहाँ पे, तो मिड ब्रेन भी आपका एक पार्ट है। मिड ब्रेन के भी फंक्शन यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, तो यस जो मिड ब्रेन है और फंक्शंस क्या होते हैं, जो मेन फंक्शंस की अगर बात करो, ठीक है, अच्छा मिड ब्रेन की लोकेशन कहाँ पे होती है, एक्चुअल लोकेशन कहाँ है, तो एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। इवन आप एनसीईआरटी का जरा पिक्चर देखो, उसमें तो मिड ब्रेन को काफी एक उसमें देखना, हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन को ब्रेन स्टेम के साथ वहां पे जोड़ा गया है, जब आप उसमें देखेंगे तो ब्रेन इस, ये जो मिड ब्रेन है दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेटेड बिटवीन
डायन सी फेल ऑन ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो ये उसकी लोकेशन हो गई। दूसरी हम बात करते हैं उसके फंक्शन के बारे में। ठीक है, जो उनके फंक्शंस हो रहे थे, तो मिड ब्रेन कुछ रिसीव भी करता है और इंटीग्रेट करता है, जैसे आपके कई ऑडिटरी इनपुट्स हो गए या विजुअल इनपुट्स हो गए, उनके लिए काम करता है, उनके लिए सपोर्ट करता है। मिड ब्रेन जो है उसके पास वन ऑप्टिक लोब्स से भी रिलेट करता है, वो जो आपने पीछे लोब्स के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ उस वो रीजंस भी आते हैं उसके अंदर। तो मिड ब्रेन जो है आपका, वो उसके पास वन पेयर होता है ऑप्टिक लोब का, और चार छोटे छोटे लोब्स भी जो है इस मिड ब्रेन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो चार छोटे छोटे लोब्स में कह रहा हूँ, फोर अलग अलग डिफरेंट लोब्स भी हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर मैं सब लोब्स के बारे में सबसे पहले बताऊं, तो यस मिड ब्रेन हैज वन पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब। ठीक है, और ये डिवाइडेड है, ये फर्दर आगे डिवाइडेड है ट्रांसवर्सली, और जिसकी वजह से मिड ब्रेन में हमें अलग अलग और सब लोब्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, चार छोटे छोटे लोब होते हैं जिसको आप बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना, इनको आप बोलते हो कॉर्पोरा। ये फर्दर चार लोब्स होते हैं इनके, जिनके हम नाम होते हैं कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। ठीक है, ये फर्दर लोब्स हैं उसके, जो चार लोब्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एंड तो ये इनके जो मेन काम होते हैं, फिर इन सबके अलग अलग काम हैं। तो उसमें से कि आप मेजर फंक्शंस पे आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि विजुअल इनपुट्स में अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके अलावा ऑडिटरी इनपुट्स में अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके अलावा जो टेक्टाइल इनपुट्स होते हैं उनके अंदर अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड मैंने यूज किया टेक्टाइल, टेक्टाइल का मीन्स जानते हैं, टेक्टाइल मीन्स जानते हैं बच्चों, जैसे कि नो सर। टच, टच करना, जैसे मैंने बोला सेंस ऑफ टच है, तो उसमें भी अपना रोल प्ले कर रहा है, टचिंग है, जैसे टच आपने कर लिया किसी को, तो उससे रिलेटेड होता है टेक्टाइल जो है। तो यस, और भी अगर इसमें आप देखोगे ना, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना को भी अगर मैं आगे मतलब उसके स्ट्रक्चर्स को देखना चाहूँ, तो उसके अंदर कॉलिकुलाइज देखने को मिलते हैं, इनके भी अंदर हमें कॉलिकुलाई देखने को मिलते हैं, कॉलिकुलाई, राइट, कॉलिकुलाई। और कॉलिकुलाई में भी जैसे सुपीरियर कॉलिकुलाई हो गया, फिर इंफीरियर कॉलिकुलाई हो गया, राइट, तो फर्दर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, सुपीरियर कॉलिकुलाई हो गया, इंफीरियर कॉलिकुलाई हो गया। तो ये मिड ब्रेन है, कैसे आप कैसे कर सकते हैं कि मिड ब्रेन है, वहाँ ऑप्टिक लोब्स के बारे में बात करते हैं कि ऑप्टिक लोब से रिलेट करता है। ठीक है, और वहां पे उसके फर्दर फिर छोटे छोटे लोब्स हैं, फर्दर उसके मिड ब्रेन के अंदर लोब्स हैं, ठीक है, ऑप्टिक लोब्स के अंदर भी, जिसको हम कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे कॉर्पोरा क्वाड्री जिनेमा में जेमिना में जो कुछ और भी प्रिंसिपल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, और जिनको हम कॉलिकुलाई बोलते हैं, और वो कॉलिकुलाई को फिर हम डिवाइड करते हैं कुछ सुपीरियर कॉलिकुलाई और फिर कुछ इंफीरियर कॉलिकुलाई। सुपीरियर कॉलिकुलाई कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं जितने भी विजुअल इनपुट्स होते हैं, लेकिन आपको अगर आप ऐसे याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको डायरेक्टली भी फंक्शन याद रख सकते हैं, क्योंकि आपसे इतना कॉलिकुलाई को लेके सवाल शायद ना पूछा जाए, ठीक है, इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी। अब आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। वहां पे इंफीरियर पेयर जो है कॉलिकुलाई का, वो रिसीव करता है इम्पल्सिस को आपके ईयर से, तो इंफीरियर वाला जो पार्ट है वो रिलेट करता है ऑडिटरी वाले फंक्शन से, मैं ये कहना चाह रहा था यहाँ पे, और विजुअल वाला जो पार्ट है वो रिलेट करता है आपके इस सुपीरियर वाले कॉलिकुलाई फंक्शन से। ठीक है, तो कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना जो फर्दर सब लोब्स हैं, जो फर्दर छोटे छोटे लोब्स हैं,
उसके पार्ट्स हैं कॉलिकुलाई, जिसमें इंफीरियर और सुपीरियर हैं। फंक्शन जो है मिड ब्रेन के, मैंने क्या कहा था अभी कि मिड ब्रेन जो है वो दोनों ही तरह के काम कर रहा है, मतलब ब्रेन रिसीव भी कर रहा है और इंटीग्रेट भी कर रहा है। ये जो ये वाला जो पार्ट है हमारा इस ब्रेन का, यानी कि जो मिड ब्रेन है, ये रिसीव भी करता है, ठीक है, एंड इंटीग्रेट भी करता है, ठीक है, रिसीव भी करता है और इंटीग्रेट भी करता है इन फंक्शंस को, राइट। तो ये आपको इस तरीके से इनके फंक्शंस को ध्यान रखना है, मिड ब्रेन में इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। फर्दर फिर जब और आगे, ठीक है, ये बात एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक यस सर। है। अच्छा एक वर्ड आता है फिर हम बात कर, एक्सक्यूज यस सर, व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ सेरिब्रल एक्वाडक्ट? सेरिब्रल एक्वाड, एक्वाडक्ट अब सेरिब्रल एक्वाडक्ट है कहाँ हमारी इस रीजन में? सेरिब्रल एक्वाडक्ट कहाँ पे है? पहले ब्रेन के इस पार्ट में देखते हैं, ये तो नहीं, शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था, इसमें भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, ब्रेन के कौन से पार्ट में दिखाया आपको? हालांकि हम उसको आगे पढ़ेंगे, इसमें देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी CSF से वैसे कोई रिलेट नहीं कर रहा है पार्ट। अच्छा हालांकि हम आगे पढ़ेंगे उसको, क्योंकि हम सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड जब पढ़ेंगे ना अभी आगे, या सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, तब वहां पे बात करेंगे, या जब वेंट्रल पार्ट की जब हम डिस्कस करेंगे, वेंट्रल पार्ट वैसे आगे आने वाला है, इसमें भी नहीं। तो इतना सिंपल याद रख सकते हो इसमें आप अभी अभी के लिए, क्योंकि जब हम आगे अभी डिस्कस करेंगे वेंट्रिकल्स को ब्रेन के, ठीक है, तो वहां पे हम सेरिब्रल एक्वाडक्ट को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, पार्ट्स में बेटा। ओके हाँ जी, क्योंकि वो जो रिलेट करता है फंक्शन उसका, वो इसी से रिलेट करता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड से ही हमारा, वेंट्रिकल से रिलेटेड, बेसिकली वेंट्रिकल जो होते हैं ब्रेन के, हम वहां पे उसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे एक्वाडक्ट के, ठीक है। सर अब हाँ आपने उसमें देखा होगा कि मिड ब्रेन में भी हम उसको डिस्कस करते हैं, राइट, तो अब मैं मिड ब्रेन में इसलिए नहीं बताना चाह रहा क्योंकि जब हम वेंट्रिकल पार्ट करेंगे तो तभी उसको डिस्कस कर लेंगे। सिंपली इतना ध्यान रखिएगा, इस मिड ब्रेन से जब हम उसको रिलेट करते हैं तो सेरिब्रल एक्वाडक्ट जो है आपकी, यहाँ लिख देते हैं उसको, सेरिब्रल एक्वाडक्ट जो है, हालांकि हम इसको आगे डिस्कस करते हैं, तो ये कनेक्ट कर रहा है, बेसिकली इसका काम कनेक्शन का है, ठीक है, कनेक्ट कर रहा है आपके आपके ब्रेन में वर्टिकल्स वेंट्रिकल्स होते हैं, चार वेंट्रिकल्स होते हैं, तो उसमें से जो थर्ड वेंट्रिकल है आपका, ठीक है, जो थर्ड वेंट्रिकल है, जो थर्ड वेंट्रिकल होता है, ठीक है, उसको फोर्थ वाले के साथ कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर कहाँ होता है, सर। ये स्ट्रक्चर की लोकेशन कहाँ है एक्चुअल, तो इस स्ट्रक्चर की लोकेशन है हम पूरे ब्रेन स्टेम में देखते हैं, ठीक है, उसके लिए रिलेट करना पड़ेगा, देखो आगे कॉन्सेप्ट को। तो ब्रेन स्टेम की जब हम बात करते हैं तो ब्रेन स्टेम में क्या क्या आता है, अब देखो ब्रेन स्टेम के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो ब्रेन स्टेम में सबसे पहले आता है मिड ब्रेन, ठीक है, आता है मिड ब्रेन, प्लस एक हो गया आपका उसमें पोन्स, प्लस एक हो गया उसके अंदर मेड्यूला ऑब्लंगेटा, ठीक है, ये तीन पार्ट्स हो गए उसके ब्रेन स्टेम को बनाने। तो अब जब हम बात कर रहे हैं किसकी, इस लेयर की, ओ सॉरी, इस कनेक्शन की, तो ये कनेक्ट कर रहा है सेरिब्रल एक्वाडक्ट जो है, ये वो स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट है आपके कहाँ पे, इस ब्रेन स्टेम में, मतलब इन रीजंस में हमें देखने को मिलेगा, इन रीजंस में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, और कनेक्ट कर रहा है थर्ड वेंट्रिकल को विद द हेल्प ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। इसको हम, ध्यान रखिएगा, इसको हम और भी नाम से जानते हैं, इस सेरिब्रल एक्वाडक्ट को हम एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, और भी बहुत सारे नाम हैं इसके, तो कनेक्शन का काम है बेसिकली इसका, ठीक है बेटा, कनेक्शन का काम कर रहा है।
हालांकि हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, किसने पूछा था क्वेश्चन? क्लियर, सर। ऑल राइट। तो कनेक्शन का काम कर रहा है। ओके, तो ये मिड ब्रेन, ब्रेन स्टेम हो गया हमारा, मिड ब्रेन के काम हो गए। या आप कुछ पढ़ेंगे इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स जो हैं आपके, कि देर इज अ थ्री पेयर्स ऑफ बंडल्स ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, यस माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड, जिनको हम सेरिबेलर पेडिंकल्स के नाम से भी जानते हैं, एंड फ्रॉम द कम्युनिकेशन पाथवे बिटवीन द सेरिबेलम एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द सीएनएस। तो ये सिंपल जो जितने भी जो सेरिबेलर पेडिकल्स हैं हमारे, अलग अलग रीजन्स में आपको देखने को मिलते हैं, और अलग अलग रीजन्स में इनके अलग अलग नाम होते हैं, राइट। ये कई वर्ड्स आपको या कई स्ट्रक्चर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे जब आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे ब्रेन का। ये ग्लोबस वाला पैलेडस है, उसके अलावा आपका ये स्ट्रिएटम है यहाँ पे, राइट। तो ये पैलेडस और सुपीरियर सेरिबेलर पेडिंकल्स है आपके, तो ये कनेक्शन का काम करते हैं सिंपल। दैट इज लाइक अ वायर, कि जो एक एक से दूसरे पार्ट को ब्रेन के जोड़ रहा है, अटैच कर रहा है पाथवेज को, राइट। तो एक कम्युनिकेशन का काम करता है, जोड़ने का काम कर रहा है पाथवेज को बिटवीन द सेरिबेलम एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जितने भी जो पेडिंकल्स आप पढ़ेंगे अलग अलग रीजन में, वो सभी एक कम्युनिकेशन का काम करेंगे, उनको जोड़ने का काम करेंगे। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। तो अलग अलग रीजन में हमें देखने को मिलते हैं ये रीजन, जैसे कि यहाँ पे मिडिल सेरिबेलर पेडिकल्स हैव कनेक्शन विद पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। तो एक कनेक्शन का, जोड़ने का ही काम करेंगे सभी जगह जितने भी जो पेडिंकल्स आपको देखने को मिलेंगे। इंफीरियर के बारे में जैसे यहाँ बात की गई है, ठीक है, पेडिंकल्स कम्युनिकेट विद मेडुला ऑब्लॉगेटा एंड द स्पाइनल कॉर्ड। तो कम्युनिकेट कर रहा है, यानी मैसेजेस को आगे ट्रांसफर करने में अपना रोल प्ले करते हैं, राइट। तो ये कुछ फंक्शंस हैं आपके फिर ब्रेन के। उसके अलावा जैसे यहाँ सेरिबेलम के बारे में हमने बात की, लार्ज रिफ्लेक्स सेंटर है, कंट्रोल करता है इन्वॉलेंट्री एक्शंस को। यस, सारे फंक्शंस आप लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं सारे, उसको देखेंगे। न्यूक्लियर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूरॉन इन द ब्रेन, देयर इज अ सेंटर व्हिच इज कॉल्ड द न्यूक्लियर। जैसे कि यहाँ पे हम पढ़ते हैं सबथैलेमिक न्यूक्लियस ऑफ द रीजन, जहाँ पे कलेक्शन है डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूरॉन्स का हमारे ब्रेन में, उस रीजन को हम न्यूक्लियर का नाम देते हैं। सर, इजेंट इट प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस ओनली? यस, जहाँ पे एक करेक्शन हो रहा है बेटा आके, ठीक है, एक जगह मिल रहे हैं आके, ओके सर। सर ठीक है, देन डिवीजन, फंक्शन का डिवीजन होना। इज ओनली सिंथेसाइज जैसे मैंने, द हॉर्मोन्स विच आर रिलीज हाँ बाय। हाँ जैसे मैं, यस यस, जैसे मैंने बोला कि थैलेमस है, और थैलेमस क्या कर रहा है, सारी सेंसेशंस को ले रहा है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला ना कि जैसे थैलेमस रीजन है, तो थैलेमस रीजन में जितने भी जो सेंसेशन होगा वो हमारी बॉडी के अंदर, वो थैलेमस से होते हुए ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स में जाएगा, कुछ इस तरीके ओके से। सर। यस, ठीक है। देन कॉर्पस स्ट्रिएटम, बेसल गैंग्लिया रीजन, बेसल गैंग्लिया एंड द कलेक्शन ऑफ दी सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई इन दी फोर ब्रेन, राइट, विच इज बिलो दी कॉर्टेक्स रीजन, राइट, बेसल गैंग्लिया रीजन। और इम्पॉर्टेंट जैसे कि कॉर्पस स्ट्रिएटम है हमारा, स्ट्रिएटम जैसे कि हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रिएटम पार्ट्स को, दैट इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियस इन द सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई, एंड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टीरियोटाइप्ड मूवमेंट जो होती है हमारी, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हम बोलते हैं ना कि नहीं, अब हमें उठना नहीं है, या अब चलो हमें यहीं खड़े रहना है थोड़ी देर तक, स्टीरियोटाइप्ड टाइप, है ना। तो वो कुछ इस तरह की मूवमेंट जो होती है हमारी, उनके लिए कॉर्पस स्ट्रिएटम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। यस, देर इज अ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स विच हैव अ डिफरेंट फंक्शन इन आवर ब्रेन, और मेजरली आप लोग ये जो फंक्शंस के ऊपर जो फोकस करेंगे, वो आपके जैसे हाइपोथैलेमस है, वो थैलेमस रीजन हो, डायन्सी फिलोन हो, आप लोब्स के फंक्शन देखोगे, ठीक है, तो उनके फंक्शंस तो आपको टिप पे रखने हैं, जिनके निमोनिक्स मैंने बताया उनके फंक्शन आपको टिप पे रखने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉलेज के लिए तो आप जितने पढ़ सकते हैं, और भी एनाटॉमिकल लेवल पे भी आप इसको और भी ज्यादा स्टडी कर सकते हैं, लेकिन वो अभी के लिए आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, इवन उस एग्जाम के लिए भी रेलेवेंट नहीं है कि आप एनाटॉमिकल लेवल में, नॉलेज के लिए आप जितना पढ़ना चाहते हैं वो सारा दिन फिर पढ़ते रहिए, उसके लिए तो फिर कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन जो रेलेवेंट है आपके लिए, वो जैसे जो भी मैंने न्यूमोनिक्स इन पार्ट्स के बताए, आपके एग्जाम को देखते हुए वो ध्यान में रखना है आपको, अगर क्वेश्चन ब्रेन वाले पार्ट से पूछा जाता है तो। देन आगे हम इसमें बात करेंगे फिर, ये थैलेमस वही रीजन, ये थोड़ी सी किताबी भाषा यहाँ लिखी हुई है, वही जो हम पढ़ चुके हैं,
इसको देखेंगे आप। ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन फर्स्ट पास थ्रू दी थैलेमस, ठीक है, इट्स अ रीजन प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द फोर ब्रेन एंड रैप्ड बाय द सेरिब्रम रीजन, यस, ठीक है। सो इट रिसीव डिटरमिन देयर सोर्स, एवेल्युएट देयर इंपॉर्टेंस एंड इंटरप्रेट दो सेंसरी सिग्नल्स एंड देन चैनल्स देम टू दी अप्रोप्रिएट सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन। वही की जो हमने बात की थी कि ये 80% पार्ट है डाइएंसीफ्रॉन का, एक मैंने ये बताया था इसमें। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि ये एक्ट करता है एज अ रिले सेंटर, राइट। उसके अलावा रिसीव करता है सारी सेंसरी जितने भी इनपुट्स होते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट से, एंड देन उसको इम्पल्सिस को आगे सेंड करता है आगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स रीजन में। तो इसके थैलेमस के पार्ट्स फंक्शंस आप लोग ध्यान रखेंगे ब्रेन में। देन उसके बाद इसमें आते हैं आपके ये वही फिर हाइपोथैलेमस के फंक्शन आ जाएंगे, ये आप लोग वैसे ही करेंगे उसी तरीके से लिखेंगे भी जहाँ पे भी आप लोग उसको पढ़ेंगे। या हाइपोथैलेमस रीजन हो गया आपका इस पिक्चर में दिखाया गया। हाँ, और एनसीईआरटी के अलावा जो भी इसमें डायग्राम्स ने लगाए हैं तो उसमें ध्यान रखना कि लोब्स कौन से कहाँ पे हैं, कौन सा रीजन कहाँ पे है आपका। जो भी आप वर्ड एनसीईआरटी में पढ़ रहे हो ब्रेन को लेके, ठीक है, अगर वो एनसीईआरटी के डायग्राम्स में मेंशन नहीं है तो आप उसको देखिए इस नोट से। वैसे तो हमने कवर की करेंगे कर ही रहे हैं सारे कि कौन कौन से पार्ट्स वहाँ पे मेंशन है। कोशिश की गई है कि आप उसकी लोकेशन जाने, ठीक है, इवन लोब्स की लोकेशन आपको पता लगे कि कौन कौन से लोब्स प्रेजेंट हैं, तो वो सारे पार्ट्स आपको पता होना चाहिए। अब जैसे आप उसमें देखेंगे कि अमाइगडाला एक वर्ड मेंशन है वहाँ पे, सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई है अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस, और अमाइगडाला जो है वो एक आलमंड शेप स्ट्रक्चर होता है एंटीरियर टिप ऑफ दी हमारे जो लिप्स होते हैं, जो लोब्स होते हैं, लिम्बिक लोब्स होते हैं उनके। तो अमाइगडाला जैसे वहां पे मेंशन है, लेकिन अमाइगडाला जब आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे तो उसके अंदर आपको दिखाया नहीं गया है कि अमाइगडाला किस रीजन में होगा आपके प्रेजेंट, ठीक है। तो उन वर्ड्स को आप लोग देखेंगे और फिर देखेंगे कि एक्चुअल लोकेशन कहाँ पे है उसकी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। और ये बेसिक फंक्शन जितने भी आपके एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं उनको आप लोग देखेंगे, एंगर है, लव, जैसे कूल, रेस्पिरेशन रेगुलेशन, इमोशंस, ठीक है, हंगर, ये सब हम आपने उसमें निमोनिक में कवर कर लिए हैं, सो उनसे रिलेट करेंगे आप इनको, राइट। तो ये हाइपोथैलेमस की फिर फंक्शन हो गया। लिम्बिक सिस्टम को आज हम स्टार्ट नहीं कर रहे, इसमें लिम्बिक सिस्टम हो गया और फिर हमारा वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट, और आई वाले पार्ट को नेक्स्ट उसमें क्लास में स्टार्ट करके उसको वाइंड अप करेंगे। ब्रेन तो अब हमारा थोड़ा सा ही बचा है जिसमें वेंट्रिकल्स को और सिर्फ रिफ्लेक्स सेक्शन वाला एक पार्ट हमारा बच रहा है उसको डिस्कस करके फिर ईयर वाले आई वाले पार्ट को हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ सर बेटा, सर सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज अ प्योर रीजन ना, कंप्लीट रीजन। इसमें देखो दिया बोला डायग्राम, यस, अगर मैं इसमें भी, चलो इसमें भी दिखा सकता हूँ मैं, तो ये हमारा पूरा का पूरा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स आएगा वो एक्चुअल में कहाँ पे आएगा, तो ये आपका जो रीजन है ना, ये वाला, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है पूरा। सेरिब्रल हेमिस्फेयर आपके दो हो गए ना, सेरिब्रल जो वर्ड आ रहा है वो तो फ्लूइड से आ रहा है, लेकिन जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर होगा हमारा, एक साइड हमें दिखाई गई है ये वाला पूरा रीजन, और एक इसका दूसरा साइड होगा। तो अगर मैं सिर्फ सेरिब्रल कॉर्टेक्स को देखूं तो कॉर्टेक्स हमारा ये रीजन है, ठीक है, ये वाला पूरा, ठीक है बेटा, ये पूरा ओके का पूरा सर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। यस, फोर ब्रेन में अगर आप उसको बोलोगे तो यहाँ हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, फोर ब्रेन आगे से अगर आप उसको देखोगे, क्योंकि वो पूरा कवर करेगा यहाँ से, ये सारा कवर करेगा ये रीजन, ठीक है, ये पूरा का पूरा रीजन कवर करेगा, तो यस ऐसे भी कह सकते हैं, राइट, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हो गया रीजन, ये वाला यहाँ से, ये पूरा सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो गया, ठीक है। यस सर। तो इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे लिम्बिक सिस्टम से, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में, आज नहीं करेंगे उसको, और फिर आई वाले कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे, नए कॉन्सेप्ट को, आफ्टर दी रिफ्लेक्स सेक्शन, ठीक है जी, ओके सर, राइट। चलिए तो, अच्छा कॉर्टेक्स से ये वर्ड याद रखना, किसने पूछा था कॉर्टेक्स बेटा कहाँ गए,
कॉर्टेक्स रीजन पूछ रहे थे, तो कॉर्टेक्स यस ने किसके लिए यूज किया था? कॉर्टेक्स से हमेशा ये ध्यान रखो, आउटर पार्ट के लिए, ठीक यस सर है? तो और इस रीजन में हमारा आ गया पूरा वो सेरिब्रम भी यहीं आ गया, सेरिब्रम भी यही पार्ट हो गया। हमें सेरिब्रम डिस्कस किया, एक मिनट जरा, यहाँ से भी देख सकते हो सेरिब्रम जैसे यहाँ पे आ गया पूरा, ये सेरिब्रम ये वाला पार्ट हो गया फ्रंट वाला हमारा, ठीक है? तो यस, और आउटर पार्ट जो हो गया हमारा, तो सेरिब्रम का जो जो आउटर मोस्ट जो पार्ट है हमारा सेरिब्रम का, या इस रीजन में ये पूरा यहाँ से भी ले सकते हैं हम, यहाँ से ये पूरा सेरिब्रल कॉर्टेक्स हो गया हमारा। और ये रीजन तो हमारा किसके अंदर आ रहा है, ये फोर ब्रेन के अंदर आ ही रहा है, ठीक है? तो हम यस रिलेट कर सकते हैं उसको कि हाँ वो उसी का पार्ट है, ठीक है? यस सर यस, ध्यान रखिएगा ऐसा, ठीक है जी? तो कॉर्टेक्स से बाहर वाले रीजन को ध्यान रखो, कॉर्टेक्स रीजन जब भी आप पढ़ोगे तो बाहर वाला रीजन है, तो वो पूरा का पूरा कवर ही कर रहा है आपका, जितना भी जो बाहर वाला रीजन है वो इधर हमारा वो कवर कर ही रहा है वो। इसलिए हम पूरे के लिए बोलते हैं कि जैसे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड रीजन, ठीक है? तो वो बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, स्टार्ट करूंगा वहीं से फिर, राइट? तब तक इसको ओके सर यहाँ तक आप लोग करेंगे, ठीक है ओके जी? सर थैंक ऑल राइट, चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अब यू सर नेक्स्ट थैंक क्लास यू में, सर बाय थैंक यू सर बाय। ऑल राइट, ऑल राइट।